आज की सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सम्माननीय श्री जगदीश भाई जी, उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण भाई, संयोजक सम्माननीय श्री सतीश भाई, सहमंत्री सम्माननीय श्री आलोक जी और कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री संजय जी, मेरे सहयोगी और भारत स्वाभिमान के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्री श्रीधर जी और भाई श्री आनंद जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। मैं सबसे पहले अग्रवाल समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये सारे पंखे बंद कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। पंखे सब बंद कर दो, थोड़ी देर गर्मी में हम बैठे हैं, मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठिए। सारे पंखे बंद कर दो। भारत देश के बारे में मुझे आपसे संवाद करने का जो मौका दिया है अग्रवाल समाज ने, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरे दिल में, मेरे मन में भारत के बारे में बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी योजनाएं पिछले 20 वर्षों से आती रहती हैं। और कल जब मैंने अग्रवाल समाज की तरफ से आयोजित आज के कार्यक्रम की जानकारी ली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे मन के विषय पर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भारत देश की मेरी जो कल्पना है उसको दो हिस्सों में मैं बांटूंगा, भारत है कैसा वर्तमान में और बनाना कैसा है हमको भारत। इसलिए ये जो विषय है मेरे सपनों का भारत, बजाय इसके हमारे सपनों का भारत, हम सबके सपनों में कुछ न कुछ भारत है। हम कैसा भारत चाहते हैं, किस भारत के लिए हमारे मन में तड़प है, कल्पना है, किस भारत के बारे में हमारे शहीदों के मन में कल्पना थी, तड़प थी, ये सब मैं आज के व्याख्यान में शामिल करूंगा। भारत की आज की वर्तमान स्थिति से मैं शुरू करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट को बनाने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका सारी दुनिया में सम्मान होता है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ऐसे ही अर्थशास्त्री हैं। भारत देश का एक बहुत बड़ा विभाग है योजना आयोग, बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता वहाँ उपाध्यक्ष रहे हैं। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष कोई ऐसा विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता हैं, और बहुत लंबे समय तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में, और बंगाल की जो सरकार चलती है वहां भी बहुत लंबे समय तक आर्थिक सलाहकार रहे हैं। सारी दुनिया के देशों में उन्हें बुलाया जाता है, वो लेक्चर्स देने जाते हैं, अर्थशास्त्र विषय उनका बड़ा पक्का विषय है। तो ऐसे एक व्यक्ति को सरकार ने कहा कि आप भारत के बारे में थोड़ी जानकारियां इकट्ठी करिए, क्योंकि भारत सरकार कई बार अपने ही द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां देती है जो एक दूसरे के विरोधी होती हैं। जैसे एक सरकार ने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या 37 करोड़ है, एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 33 करोड़ है, एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 30 करोड़ है, एक सरकार ने कहा कि गरीबों की संख्या 39 करोड़ है। अब सही क्या है पता ही नहीं चलता। तो
तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को कहा गया कि आप ठीक ठीक पता करके बताओ वास्तव में गरीब हैं कितने। तो उन्होंने 4 साल लगाया, अध्ययन किया, अभ्यास किया, बहुत बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उस टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत तकलीफ देने वाली रिपोर्ट है। वो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, देश भर के अखबारों में छप चुकी है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या में 84 करोड़ लोग गरीब हैं, 84 करोड़, 115 करोड़ की जनसंख्या में 84 करोड़ गरीब हैं। अब तक हम इस गलतफहमी के शिकार थे कि 37 करोड़ गरीब हैं, 39 करोड़ गरीब हैं, 33 करोड़ गरीब हैं, लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है 84 करोड़ लोग गरीब हैं। और कितने गरीब हैं ये भी उस रिपोर्ट में है। उनका कहना है कि 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं हैं, इतनी गरीबी है। और वही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं, 84 करोड़ के पास तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को। उन 84 करोड़ों में से 50 करोड़ इतने गरीब हैं कि उनके पास 10 रुपया नहीं है खर्च करने को, 50 करोड़ भारतवासियों के पास। और उसी में से 25 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। और 15 करोड़ इतने गरीब हैं इस देश में जिनके पास खर्च करने को 1 रुपया नहीं है। और 10 करोड़ भारतवासियों के पास तो 50 पैसे भी नहीं है खर्च करने को। ये हमारे देश की नंगी वास्तविकता है, कठोर सच्चाई है। जब ये रिपोर्ट आई ना सबके होश उड़ गए, संसद में और संसद के बाहर, और प्रश्न चिन्ह ये लग गया भारत देश की विकास योजनाओं पर कि आजादी के 63 साल में हमने किया क्या। गरीबी 84 करोड़, आजाद जब हम हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षण किया था। अंग्रेजी सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे 1947 15 अगस्त को। और उस सर्वेक्षण के बारे में उस समय कई भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने ये संख्या जानबूझ के कम दिखाई है ताकि सारी दुनिया में अंग्रेजों की बदनामी ना हो कि इतने गरीब भारत में आपने पैदा कर दिए। तो इसलिए अंग्रेज कहा करते थे 4 करोड़ गरीब हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको संशोधित कराया, जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने एक कमीशन बनाया और कहा कि गरीबों की सही स्थिति बताओ। तो 1952 में जब पहली पंचवार्षिक योजना बनी इस देश में और लागू हुई, तब नेहरू जी ने कहा कि इस देश में वास्तविक गरीबों की संख्या 16 करोड़ है। मान लिया 16 करोड़ है। अब 16 करोड़ की जनसंख्या 84 करोड़ हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या है। और 5 वर्ष की योजनाएं जो लागू हुई हैं गरीबों के लिए वो अलग हैं। ये जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि 1952 में हमने गरीबों को मदद करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम है प्रथम पंचवार्षिक योजना, और उसका मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना, मुख्य उद्देश्य था। और नेहरू जी ये कहा करते थे संसद में कि एक पंचवार्षिक योजना लागू हो गई सारे गरीबों की गरीबी मिट जाएगी। लेकिन वो योजना पूरी हो गई गरीबी नहीं मिटी, फिर दूसरी योजना आई वो पूरी हो गई तो भी गरीबी नहीं मिटी, तीसरी योजना आई फिर भी गरीबी नहीं मिटी। ऐसी 11 योजनाएं लागू हो चुकी है और हर पंचवार्षिक योजना में गरीबी मिटाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, आपके टैक्स का, मेरे टैक्स का, हर पंचवार्षिक योजना। आप जो सरकार को टैक्स देते हैं, मैं जो सरकार को टैक्स देता हूं, उस टैक्स का 10 लाख करोड़ सालाना खर्च होता है, माफ करना 5 साल में खर्च होता है पंचवार्षिक योजना में।
तो एक योजना का 10 लाख करोड़, तो 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है और गरीबी है कि बढ़ती ही जा रही है। एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर हमने 11 पंचवार्षिक योजनाएं नहीं बनाई होती थोड़ी देर के लिए और 110 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों में बांट दिया होता तो हर गरीब को 1.5 लाख रुपए मिल गया होता। एक सौ दस लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया योजनाओं पर, लेकिन गरीबी बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। काश ये पैसा सीधे गरीबों को बांट दिया जाता तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती। माने 110 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, सामान्य बात नहीं है। 110 लाख करोड़ रुपए को कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और 110 लाख करोड़ लिखने में 16 अंक लगते हैं। कैलकुलेटर में ये रकम आती नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इस रकम का हिसाब निकाला था कि इससे सोना खरीद लें, 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें जो सबसे महंगा है, 17,000 रुपए का 10 ग्राम है इस समय, तो 110 लाख करोड़ से सोना खरीद लें तो भारत देश का पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल और पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र का आधा हिस्सा, इतना बड़ा इलाका इस देश का, इस इलाके के एक एक गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकते हैं। और दूसरा कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर सोने का पतरा 10 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर कर दे तो भारत के 6,38,365 सभी गांवों की सड़कों पर बिछा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़, मामूली रकम नहीं है जो खर्च हुई है। अब एक तरफ 110 लाख करोड़ का खर्चा भी हो गया और गरीबी भी नहीं मिटी, ये अफसोस की बात है। या तो ये पैसा खर्च ना हुआ होता तो हम दिल पे पत्थर रख लेते कि गरीबी इसलिए है कि हमारे पास पैसे ही नहीं खर्च करने को। लेकिन एक तरफ हमने 110 लाख करोड़ खर्च भी करा दिया और गरीबी भी नहीं मिटी देश की। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात को सोच सोच कर होती है कि ये 110 लाख करोड़ आपने दिया था, मैंने दिया था खून पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में, वो खर्च हो चुका है और गरीबी बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में 200 देश हैं इस समय। इन 200 देशों की एक सूची बनाई जाती है हर साल, संयुक्त राष्ट्र महासंघ नाम की जो संस्था है दुनिया की, ये सबसे गरीब देशों की एक सूची बनाती है हर साल। तो पिछले साल की सूची बनी और उसमें बताया उन्होंने कि 86 देश दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब हैं, अत्यंत गरीब। अगर हिंदी में एक शब्द में इस्तेमाल करूं, महादरिद्र 86 देश हैं। और उन 86 देशों की सूची में भारत का नंबर 70वां है। इसका अर्थ समझ लीजिए, दुनिया में 69 देश हमसे ज्यादा अमीर हैं, जो महादरिद्र हैं वो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। हमारी स्थिति उन महादरिद्र देशों में भी सबसे नीचे है, 70वें नंबर पे। मतलब सीधा सा ये है, दुनिया में जो 86 देश महादरिद्र हैं उनमें से भारत से ज्यादा दरिद्र देश 16 ही हैं। और उन 16 में दो देश तो वही हैं जो भारत के अंग हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत का नंबर है उस सूची में 70, पाकिस्तान का नंबर है 71, बांग्लादेश का है 72। तो ये 70, 71, 72 तो एक ही कुनबा है, ये तो कोई अलग अलग है नहीं इलाका। तो मतलब ये है कि 72वें नंबर पे हम हैं उस सूची में।
और बहुत कठोर टिप्पणी उस रिपोर्ट में की गई, जब मैंने वो पढ़ी अच्छी नहीं लगी मुझे। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कहना है कि भारत की दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण दुनिया की औसत गरीबी बढ़ गई है, भारत के कारण औसत गरीबी बढ़ गई है पूरी दुनिया की, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही बसते हैं। और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मान लें, तीनों को एक ही देश मान लें, तो सारी दुनिया की गरीबी के औसतन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, वो रिपोर्ट ये कहती है, क्योंकि हम आजादी के 63 साल के बाद भी इस गरीबी को मिटा नहीं पाए हैं। हमारे देश का ये हाल है गरीबी का। अब इस गरीबी का बिल्कुल सहयोगी एक है बीमारी, जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का क्या आलम है? तो हमारी ये जो रिपोर्ट आई, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट, वो ये कहती है कि बेरोजगारी के सवाल को उल्टा समझने की जरूरत है। सीधे सीधे ये कहना कि भारत में इतने बेरोजगार हैं, इससे ज्यादा अच्छा ये पहले समझा जाए कि भारत में रोजगार कितने लोगों को है, और ऐसा रोजगार जिसको हम सम्मानजनक कहें। सम्मानजनक माने साल के 18वें वर्ष में, माने जब आदमी 18-19 साल का हो गया तब उसको कुछ रोजगार या नौकरी मिल जाए, और 60 साल तक वो अबाध गति से चलती रहे, कोई उसे छीने नहीं, वो रोजगार उसके हाथ से जाए नहीं 18 से लेके 60 साल तक, ऐसे कितने लोग हैं? तो वो रिपोर्ट ने कहा कि भारत में जो पक्का रोजगार है, जिनकी नौकरी कभी नहीं जाती, ऐसे सिर्फ 3.5 करोड़ लोग हैं पूरे भारत में, सिर्फ 3.5 करोड़, 115 करोड़ में, जिनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी, जिनको रोजगार बहुत सम्मानजनक मिला हुआ है। वो 3.5 करोड़ लोग कैसे हैं? तो उसका हिसाब है पूरा, 14 लाख लोग तो सेना में हैं, भारत की आर्मी में 14 लाख के आसपास, सेना में, वायुसेना में, जल सेना में, तीनों में मिला के 14 लाख है, और करीब करीब 15-15.5 लाख हैं रेलवे में, इंडियन रेल, भारतीय रेल, और करीब करीब 17 लाख हैं बैंकों में, भारत की जितनी भी बैंकें हैं, और करीब करीब 15-15.5 लाख हैं बीमा कंपनियों में, एजेंट से लेकर ऊपर तक, और करीब करीब 44 लाख के आसपास हैं केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर में, जैसे BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ऐसे भारत के 244 पब्लिक सेक्टर हैं। फिर उसके बाद केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, फिर बाकी 90 मंत्रियों के ऑफिसेज हैं, तो ऑफिसेज में काम करने वाले हर स्तर के कर्मचारी, तो कुल मिलाकर सरकार के तंत्र में जो काम करते हैं, और इसमें वो भी मैंने जोड़ दिए राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं, राज्यों के 33 राज्यों के राज्य स्तर के कर्मचारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य के मंत्री, ये सब जोड़कर कुल 3.5 करोड़ लोग हैं जिनको पक्का रोजगार है, जिनको सम्मानजनक नौकरी है, और जरूरत पक्के रोजगार की भारत में 64 करोड़ लोगों को है जरूरत, मतलब 64 करोड़ लोगों को सम्मानजनक काम चाहिए, उसमें से 3.5 करोड़ को मिला हुआ है, इसका माने 60.5 करोड़ लोगों को दर दर भटकना है रोजगार के लिए। इन 60.5 करोड़ लोगों में कुछ लोग हैं जो खेती करते हैं, लेकिन खेती में सम्मानजनक खेती करने वाले मुश्किल से 10-15 करोड़ ही हैं, जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, सम्मानजनक खेती वो कर पाते हैं, बाकी की जमीन ही 2 एकड़ से कम है भारत में किसानों की, तो उनको सम्मानजनक नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी खेती तो घाटे में रहती है, 2 एकड़ से कम जमीन, ऐसे भारत में 85% किसान।
अब ये जो 85% किसान हैं जिनकी 2 एकड़ से कम जमीन है, यही लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं। कभी सड़क पर रिक्शा चलाते हैं, कभी कहीं किसी का ईंट गारा बनाते हैं, कभी कहीं कोई ठेली लगा लेता है सब्जी बेच लेता है, कभी कोई फुटपाथ पर कोई सामान रख के उसे बेच लेता है। इस तरह के रोजगार में वो लगे हुए हैं। हमारे देश में जिसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है, असंगठित रोजगार का क्षेत्र, उसमें ये 60 करोड़ 50 लाख लोग हैं जिनकी 12 महीने की कोई भी रोजगारी पक्की नहीं। किसी को साल में 2 महीने काम मिलता है, किसी को 4 महीने मिलता है, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, ऐसा उनका चलता है। और इनके ऊपर समय समय पर पुलिस के डंडे चलते रहते हैं। वो बेचारे कहीं सड़क पर बैठे हैं खोमचा लगा के, पुलिस वाला आएगा मारेगा डंडा और नगर पालिका वाला आएगा ले जाएगा पैसे उनसे। रोज भुगतते हैं वो इस बात को। तो 60.5 करोड़ लोग इस देश में दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जिनको काम चाहिए और काम नहीं है हमारे पास। खेती हमारे देश में अब इतने घाटे में चली गई है कि इस पर जिंदा रहना संभव नहीं है लोगों का। इतने घाटे में आ गई है खेती, क्योंकि खेती के घाटे में आने का सबसे बड़ा कारण है किसानों के काम आने वाला जो यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट है, किसानों के काम आने वाला जो एंडोसल्फान मेलाथियान आदि आदि कीटनाशक दवाएं हैं, ये पिछले 20 सालों में इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब किसान के बूते का नहीं रहा अब उनको डालना। पहले यूरिया का एक कट्टा 50 किलो का 70 रुपए का था, अब 300 रुपए का हो गया और 2-3 दिन के बाद वो 350 का होने जा रहा है। डीएपी पहले 3 रुपए किलो था, अब 24 रुपए किलो हो गया, 2-3 दिन के बाद ये 28 रुपए किलो होने जा रहा है डीएपी। सिंगल सुपर फॉस्फेट 8 से 10 गुना महंगा हो गया। किसानों के काम आने वाला डीजल जो कभी 3 रुपए 20 पैसे 3 रुपए 50 पैसे लीटर था, अब वो 38 रुपए लीटर हो गया। तो किसानों के काम आने वाली हर चीज महंगी पे महंगी हो रही है और किसान की पैदा की गई चीजें सस्ते से सस्ती बिक रही हैं, गेहूं चावल चना दाल मटर। तो खेती इतने घाटे में है कि हर दिन 1 मिनट में इस देश के 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। हर दिन 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ देते हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, 1 मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं तो 1 दिन में कितने मिनट होते हैं और 1 साल में कितने मिनट होते हैं। हर मिनट में 33 किसान खेती छोड़ते हैं। कहां भागते हैं? शहर में भागते हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए। शहर में कोई रोजगार रखा है उनके लिए? वो दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं और अंत में जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में। मुंबई में धारावी नाम का एक एरिया है, वहां की झुग्गी झोंपड़ियों में लाखों लोग रहते हैं जहां हम 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। धारावी में इतना कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी बदबू, हम 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां। और लोग वहां 20-20 साल से रहते हैं। मैंने देखा है झुग्गी झोंपड़ियों के आसपास सरकार की कुछ योजनाओं के सीमेंट के पाइप पड़े रहते हैं नीचे डालने के लिए। उन सीमेंट के पाइप में लोगों के सालों साल गुजरते। इस भारत देश में शहर की जो आबादी है ना, हैदराबाद मद्रास बेंगलोर दिल्ली कोलकाता, ये जो शहर माने जाते हैं मेट्रोज, इनकी आबादी का 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। 65% हर शहर का, इंक्लूडिंग हैदराबाद। हैदराबाद का भी यही हाल है, सिकंदराबाद का भी यही हाल। 65% हिस्सा झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। और मुझे इतना दुख है ये कहते हुए कि झुग्गी झोंपड़ियों में जितने एरिया में जितने वर्ग फिट में 5-5 लोग रहते हैं, उतने क्षेत्र में तो जेल में कैदी भी नहीं रहते।
10 फीट चौड़ी, 10 फीट लंबी, 100 वर्ग फीट की झुग्गी झोंपड़ी में 5-6 लोगों का परिवार है, और हमारे जेलों में जो कैदी बंद है ना, तो एक कैदी को सामान्य रूप से 50 वर्ग फीट जगह होती है जेल में, और यहां जेल के बाहर एक व्यक्ति को सामान्य रूप से 10-15 वर्ग फीट की ही जगह उपलब्ध है रहने के लिए। उसी में सोना है, उसी में हगना है, उसी में मूतना है, सब उसी में करना है। और आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती हैं, सास ससुर भी रहते हैं, उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं, नाती पोते भी रहते हैं। कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी रह के नहीं देखा। ऐसा बुरा हाल है देश का। और 2-3 बातें उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिली कि भारत में आजादी आ गई, आजादी के बाद सबसे बुनियादी चीज जो हर व्यक्ति को चाहिए, स्वच्छ हवा, वो उपलब्ध नहीं है अब इस देश में। स्वच्छ हवा के बाद चाहिए स्वच्छ पानी, वो उपलब्ध नहीं है इस देश को। रिपोर्ट में कहा, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में, 6,38,365 गांवों में से 5,00,000 गांव में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, 5,00,000 गांव। और उन 5,00,000 गांव का ये हाल है कि 10-15 लीटर पीने का पानी, एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गांवों में माताओं को सवेरे 3 बजे सोकर उठना पड़ता है, 2-2.5 मील पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाती हैं, फिर घर का खाना बनाती हैं, फिर दोबारा से एक बाल्टी लेके जाती हैं, फिर पानी लाती हैं, तो दोपहर का खाना बनता है, इसी में उनका जीवन खत्म होता है, बाल्टी भर भर के लाने में। 5,00,000 गांवों का ये बुरा हाल है। रिपोर्ट का कहना है कि 5,00,000 गांव के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जहां जरूरत है घर के सामने नहीं मिलता है, स्वच्छ हवा नहीं, पीने का पानी नहीं। और इससे भी ज्यादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गांवों में रहने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनमें से 2/3 माने 75% माताओं और बहनों को सवेरे सवेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है, उनको सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, खुले में बैठना पड़ता है। मैं कभी कभी गांव में जाता हूं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। जब मैं किसी गाड़ी में बैठ के गांव में जाता हूं किसानों के बीच में व्याख्यान देने, और अक्सर शाम का समय होता है तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है सड़क पर, तो कई माताएं लोटा लेके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो दैनिक काम के लिए बैठी हुई हैं और 1 मिनट के लिए भी उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती। हम आजादी के 63 साल से कर क्या रहे हैं? अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 2/3 माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में। इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये 2/3 माताएं जब स्नान करती हैं तो चारपाइयां लगानी पड़ती हैं चारों तरफ से, इधर एक चारपाई लगाई, इधर एक लगाई, इधर एक लगाई, और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए, और उसमें थोड़ा स्नान करके फिर वो चारपाई हटानी पड़ती। माने बाथरूम नहीं है, जब टॉयलेट नहीं है तो बाथरूम कहां से होंगे। और ये सारी कहानी आजादी के 63 साल वाले भारत की है। अगर आजादी हमें 2-4 साल पहले मिली होती और ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती तो दिल पे पत्थर रख लेते कि चलो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा हाल है, 63 साल के बाद भी यही देखने को मिल रहा है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आधे से ज्यादा गांव, 50% माने 3.25 लाख गांव में बिजली का बल्ब अभी तक नहीं है, बिजली का तार नहीं है, करंट नहीं है।
मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ, अलीगढ़ जिले में। आपको हैरानी होगी, ये अलीगढ़ जिला दिल्ली के बहुत नज़दीक है, राजधानी वहां से 130 किलोमीटर दूर है और मेरा गांव अलीगढ़ से करीब 60 किलोमीटर, तो 190 किलोमीटर भारत की राजधानी से दूर मेरा गांव है। मेरे गांव में अभी तक बिजली नहीं है, मेरे गांव के सभी विद्यार्थियों को अभी भी मिट्टी के तेल की लालटेन में पढ़ाई करनी पड़ती है। 21वीं शताब्दी का गांव है वो। ऐसे भारत में गांव है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 60% गांव माने लगभग 4 लाख गांव में कोई चिकित्सक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवा नहीं। उन 4 लाख गांव में अगर किसी मां को बच्चा होने वाला हो तो कोई भी भगवान के भरोसे ही होता है, क्योंकि दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है, या तो बच्चा मरता है या मां मरती है। और अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल जितनी माताएं बहनें हैं उनकी संख्या लगभग 50 करोड़ है। इन 50 करोड़ माताओं बहनों में 25 करोड़ माताओं बहनें हमेशा खून की कमी का शिकार रहती हैं, उनको एनीमिया है, रक्त अल्पता है, हमेशा उनका हीमोग्लोबिन कभी भी नापो 7, 8, 6 के आसपास आता है। 25 करोड़ माताएं बहनें इस स्थिति में रहती हैं इस देश में हर दिन। अब आप सोचो कि जिन माताओं बहनों का हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 के आसपास हो, वो मां बनती हों और बच्चे का जन्म कराती हों, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है उस मां के लिए और बच्चे के लिए। या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या बच्चा पैदा होते ही मां मरेगी, खून ही नहीं है शरीर में। और हमारी देश की इसी अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 50% से ज्यादा बच्चे जो ऐसी माताओं से जन्म लेते हैं जिनको खून की कमी है, जिंदगी भर कुपोषण का शिकार रहते हैं, उनका वजन हमेशा जरूरत से कम रहता है, मरते हैं फिर 3 साल की उम्र नहीं देख पाते 50% से ज्यादा बच्चे इस देश में। दर्दनाक है ये, बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब कहना, कभी कभी दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्या कहूं इसके बारे में। एक ही मन में गुस्सा आता है कि 63 साल से हम कर क्या रहे हैं इस देश में, झक मार रहे हैं, इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, इतनी बेरोजगारी, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी इस देश में। एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गया था मेरे जीवन में, आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं उड़ीसा गया, कालाहांडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। वहां मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए एक गांव में, तो व्याख्यान था, मैं पहुंच गया समय पर, 3 लोग आए थे सुनने के लिए, एक मैं था खुद मेरा व्याख्यान सुनने के लिए, एक माइक लगाने वाला था, एक दरी बिछाने वाला था, 3 लोग आए थे। माइक वाले और दरी वाले की मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी थी, मुझे बोलना था, उनको माइक लगाना था, एक को दरी बिछानी थी, चौथा कोई नहीं था। मैंने माइक वाले से कहा, भाई यहां तो कोई आया ही नहीं, व्याख्यान किसको दूं? तो उसने कहा, मैं बैठ जाता हूं आपके सामने, मुझे ही सुनाओ। और उसने कहा, इसको भी बिठा लेता हूं, दरी वाले को, हम दो तो हैं। तो मैंने कहा, बाकी लोग? तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, आप बोलो, हम सुनेंगे। और उसने कहा, मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है, आप बोलो, वो सुनेंगे सब घर में बैठ के। तो मैंने कहा, भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तो वो एकदम मायूस हो गया, माइक वाला, चेहरा लटक गया उसका, और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा, वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे उस दिन करंट लगा, झटका लगा, ऐसी भी गरीबी।
तो मैंने कहा भाई अब व्याख्यान क्या देना, मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा चलो एक एक घर में ले चलता हूँ आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया, वो सरपंच का घर था, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ आधा बना हुआ, किवाड़ भी एक टूटा हुआ था एक लगा हुआ था, पानी जगह जगह से टपकता था। हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई, तो मैंने देखा उस माँ के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हमने कहा आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो माता अंदर गई, उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीत कर आता है, उसका नाम है भक्त चरण दास, वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है। तो उसने कहा मेरे ही इलाके में नहीं, भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब हैं जिनके शरीर पर दो कपड़े नहीं है, 37 करोड़। तो मन में बार बार यही आता है आखिर हुआ क्या 63 साल आजादी के बाद इस देश में। 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं, हर साल बजट बनता है, ये आपको मालूम है, हर साल बजट बनता है, एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट ना बना हो। चुनाव हो गए किसी साल में तो भी बजट आया है, भले वो 8 महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, बजट हर साल आता है। 1952 से नियमित बजट आ रहा है इस देश में, तो 1952 से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में, बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवार्षिक योजनाएं लागू हुई 5-5 साल की, उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ। फिर राज्य सरकारों के बजट आए, आपको मालूम है बजट तीन स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में, एक तो केंद्र सरकार बनाती है, एक तो राज्य सरकार बनाती है, एक तो नगर पालिका बनाती है। नगर पालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ, राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, केंद्र सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं मिटती नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनकी पूरी ताकत इस बात पे थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे और गरीबी है कि मिटती ही नहीं। उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 साल गरीबी मिटाई इस देश की। 17 साल पिताजी मिटाते रहे, 14 साल बिटिया रानी आ गई और वो गरीबी मिटाती रही। और बिटिया रानी की तो योजना ही थी 20 सूत्री कार्यक्रम, सबसे पहला गरीबी हटाओ 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला। 14 साल की उनकी ताकत लगी, उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई। फिर उनके बेटा राजा आ गए राजीव गांधी, वो 5 साल लगे रहे गरीबी मिटाओ। और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है, आप जानते हो, नरसिम्हा राव आए, उस बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, देवगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और अब मनमोहन सिंह आए हैं। सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं और गरीबी मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ये गंभीर समस्या है। अब और एक बात बताता हूं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ सारे दुनिया के देशों की और एक रिपोर्ट बनाता है, एक तो सबसे गरीब देश और हर साल वो बताता सबसे अमीर देश दुनिया में वो भी कौन है। अब हम सबसे गरीब देशों में आते हैं दुनिया में, और सबसे अमीर देशों में जिस देश का नाम है नंबर एक वो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे अमीर देश दुनिया का। उसके बाद एक देश है उसका नाम है स्वीडन, सबसे अमीर।
फिर एक तीसरा देश है उसका नाम है डेनमार्क, सबसे अमीर। फिर एक चौथा देश है उसका नाम है स्पेन, सबसे अमीर। ऐसे देशों की सूची, फिर अमेरिका, कनाडा आदि आदि उसमें सब आते हैं। तो दुनिया में सबसे अमीर देशों में स्विट्जरलैंड और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत। अब दोनों देशों को समझने की कोशिश करता हूं तो कोई बात समझ में नहीं आती। जैसे स्विट्जरलैंड कैसे सबसे अमीर देश हो सकता है, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उस देश, कुछ नहीं होता से मतलब कुछ नहीं होता, ना खेती होती है, ना उद्योग चलते हैं, ना कोई व्यापार होता है, ना कोई लेन देन होता है, वहां कुछ नहीं होता। खेती नहीं है तो कुछ नहीं है। खेती क्यों नहीं होती स्विट्जरलैंड में? मिट्टी अच्छी नहीं, मिट्टी की जगह पत्थर है खेतों में। और पत्थर क्यों है वहां के खेतों में? क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, और बर्फ के नीचे जो मिट्टी ढकी रहती है ना 8 महीने तक, वो मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है, बर्फ जैसी। अब जहां के खेत में 8 महीने बर्फ जमा रहे, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता खेत में। और जिन खेतों में बर्फ ही बर्फ जमा रहे, वहां कितना ही अच्छा बीज डालो, अंकुरण ही नहीं होगा। खेती नहीं है उनके, उद्योग इसलिए नहीं है क्योंकि कच्चा माल नहीं है उनके पास। अगर आपको उद्योग चलाने हैं तो कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल, वो तो खेत में से आता है, वो कारखानों में थोड़ी बनता है। तो उद्योग तो उन्हीं देशों में होते हैं जहां पर खेती अच्छी होती है। अब स्विट्जरलैंड में खेती नहीं तो उद्योग नहीं। एक उद्योग चला करता था वहां थोड़े दिन पहले तक, घड़ी बनाने का, रिस्ट वॉच बनाने का, अब वो भी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो वो लोग कहते हैं कि चाइना नाम के देश ने इतनी सस्ती घड़ियां बनाना शुरू कर दिया है कि सारा स्विट्जरलैंड पिट गया उसमें। अब चीन की घड़ी स्विट्जरलैंड में बिकती है किलो के भाव, हाँ किलो में घड़ी बिकती है, एक एक नहीं किलो में, 50 रुपए किलो में, 60 रुपए किलो में घड़ी बिक रही है। तो कौन खरीदेगा स्विट्जरलैंड की इतनी महंगी घड़ी? तो वो उद्योग भी बंद हो गया। व्यापार उनके पास कुछ है नहीं क्योंकि कुछ पैदा नहीं होता, ना खेत में ना उद्योग में, लेन देन किसका करेंगे? तो आप पूछोगे ये जिंदा कैसे है ये देश? ये दूसरे देशों से खाने पीने का कुछ माल ले लेता है स्विट्जरलैंड, और अब उनके जंगलों में कुछ जानवरों का मांस मांस वो पैदा कर लेते हैं, मार पीट के जानवरों को, उसी में से जिंदगी चलाते हैं। लेकिन है दुनिया का सबसे अमीर देश। अब भारत की तुलना करें स्विट्जरलैंड से, भारत में सब कुछ होता है। खेती तो इतनी अच्छी है इस देश में कि दुनिया के किसी देश में ना हो। भारत में औसतन साल में 4 फसल होती है। दुनिया के जिन देशों में खेती होती है ना, वहां साल में 1 ही फसल होती है, भारत में 4 है। और 4 फसलें जिस देश में होती हैं, उस भारत देश के फसलों में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा होती हैं। गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर आदि आदि, 2000 से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन है भारत के खेतों में। कोई मामूली बात नहीं है ये। अब जिस देश में खेती अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि मिट्टी अच्छी है। मिट्टी अच्छी, मिट्टी दुनिया में शायद ही किसी देश में है जो भारत में। भारत की मिट्टी की विशेषता है नरम बहुत है, मुलायम है मिट्टी, और इतनी नरम है कि खाली 2 बैलों की जोड़ी और 1 हल से इस मिट्टी को उलट पलट कर सकते हैं। यूरोप और अमेरिका की मिट्टी इतनी कठोर है कि वहां मिट्टी को उलट पलट करने के लिए 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगता है। यहां अगर ट्रैक्टर हम चलाते भी है ना, तो 10 हॉर्स पावर से ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी नरम है। अमेरिका यूरोप की मिट्टी कठोर है तो 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कम पे बात नहीं बनती। मिट्टी नरम है। मिट्टी नरम होने के साथ साथ पानी मिलता है इस देश को, बारिश का भरपूर मिलता है। ये अलग बात है कि बारिश के पानी का हम प्रबंधन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, वो बह के समुद्र में चला जाता है, लेकिन बारिश का पानी भरपूर है इस देश को। अभी भी बारिश बहुत कम हो गई है, फिर भी जरूरत से ज्यादा हमें पानी मिलता है बारिश का। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि एक साल में औसतन
अगर इस देश की बारिश पकड़ी जाए 100 इंच, तो हमारी जरूरत से 30 गुना ज्यादा पानी हमें देता है भगवान, 30 गुना। खेतों में जितनी जरूरत है, कारखानों को जितनी जरूरत है, पीने को जितनी जरूरत है पानी की, और बाकी कामों को जितनी जरूरत है, उससे 30 गुना ज्यादा पानी हमें भगवान देता है अभी भी हर साल। ये अलग बात है कि हम उस पानी को रोक नहीं पाते और वो बह के बेकार चला जाता। पानी बहुत अच्छा है, बारिश बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छे हैं इस देश में। इतने अच्छे मौसम दुनिया के किसी देश में नहीं जो भारत में। एक बार मैं पढ़ रहा था सारी दुनिया के मौसमों के बारे में, तो मुझे एक अद्भुत जानकारी मिली, वो ये कि सब दुनिया के देशों में 2 या 3 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, भारत में 16 है, 16 क्लाइमेटिक जोन्स है, पूरी दुनिया में नहीं है कहीं 16। इसका मतलब समझाता हूं सरल भाषा में, बहुत भयंकर गर्मी अगर देखनी है भारत में तो कहीं मत जाओ, राजस्थान चले जाओ, चुरू में चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, ऐसी गर्मी मिलेगी कि उबल जाओ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और बिल्कुल ठंडी देखनी है इस देश में तो भी यहीं चले जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, -10 डिग्री -15 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। और इसी देश में एकदम सूखा मौसम देखना है तो भी राजस्थान चले जाओ, और एकदम गीला मौसम देखना है तो भी इस देश में देख लो, दक्षिण में आ जाओ गोवा में, बारिश ही बारिश, भयंकर बारिश, टॉरेंशियल रेन, साल में 6-7 महीने बारिश, केरल में चले जाओ, गोवा में चले जाओ। एकदम नमी वाला मौसम देखना हो तो यहां आ जाओ, मुंबई चले जाओ, मद्रास चले जाओ, समुद्र के किनारे वाले शहरों में चले जाओ, भयंकर नमी वाला मौसम मिलेगा। ऐसे 16 तरह के जोन्स इस देश में हैं, क्षेत्र। दुनिया में सभी देशों में 2 या 3 होते हैं, यहां 16 हैं। दुनिया के देशों में या तो ठंड पड़ती है और भयंकर ठंड, और या तो गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी, इसके अलावा तीसरा मौसम ही नहीं है कहीं। आपको मालूम है यूरोप में बारिश का मौसम नहीं है, बारिश वहां हर रोज होती है 2-3 मिनट के लिए, और बिल्कुल हल्की फुल्की, बंद हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। ऐसी बारिश यूरोप में किसी ने नहीं देखी कभी कि भल भला के पानी बरसता हो लगातार 6-6 महीने 8-8 महीने, है ही नहीं। अगर बारिश अच्छी नहीं है तो पानी नहीं है। तो यूरोप के देशों में पानी बहुत महंगा है, शराब सस्ती है, पानी महंगा है। लंदन जैसे शहरों में जब कभी मैं जाता हूं तो 1 लीटर पानी की बोतल 280 रुपए की खरीदनी पड़ जाती है कहीं, और शराब की बोतल 80 रुपए की। अब मुश्किल यह है कि मैं पी नहीं सकता उसे, हाँ, नहीं तो शराब पानी से सस्ती है, क्योंकि पानी बहुत महंगा है, क्योंकि पानी बरसता ही नहीं, महंगा तो होगा ही। जो भी थोड़ा बहुत पानी उन देशों में है वो बर्फ जो जमती है उसको पिघलाकर पानी ले लेते हैं, वो है पानी। लंदन में तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कई 5-स्टार और 7-स्टार होटलों में संडास का पानी, टॉयलेट का पानी बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है। अब ना तो उनके पास पानी है, ना अच्छी मिट्टी है, ना सूरज की धूप है, साल में 6-7 महीने सूरज ही नहीं निकलता। कभी कभी उन देशों में संडे होता है, संडे माने छुट्टी नहीं, सूरज का दिन, संडे कभी कभी होता है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग गए थे लंदन में, ये श्रीधर भाई भी गए थे, तो हमारी फ्लाइट जैसे ही उतरी उस दिन सूरज बहुत तेज चमक रहा था, तो जो ब्रिटिश एयरवेज की वो थे अधिकारी, उन्होंने कहा आप बहुत लकी हैं, आज संडे है, यहाँ पर सूरज का दिन है, आप बहुत लकी हैं। तो एक से मैंने पूछा कितने दिन में ये दिखाई दिया, उन्होंने कहा हम तो 3-4 महीने से ढूंढ रहे थे, दिख ही नहीं रहा था सूरज।
तीन तीन चार चार महीने सूरज नहीं दिखता। अब सूरज है नहीं, मिट्टी अच्छी है नहीं, पानी उनके पास है नहीं, तो खेती तो अच्छी हो नहीं सकती। भारत में ये सब चीजें हैं, सूरज भी है। भारत में एवरी डे इज संडे, हर दिन सूरज का दिन, करोड़ों साल से है, करोड़ों साल तक रहने वाला है। और अच्छी खेती के लिए सूरज की धूप होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पौधे के बड़े होने के लिए सूरज का ही प्रकाश लगता है। और सूरज अच्छा हो तो पानी भी भरपूर होता है, क्योंकि समुद्र की सतह पर सूरज की धूप पड़ती है तो पानी वाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बरसता है। तो सूरज अच्छा, मिट्टी अच्छी, पानी अच्छा, मौसम अच्छा, फसल चक्र अच्छा, मेहनत करने वाले किसान इस देश में 12-12 घंटे काम करें, इसलिए भारत के खेतों में चार फसलों में 2000 से ज्यादा चीजें पैदा होती हैं पूरे देश में। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, सच्ची घटना। एक बार क्या हुआ, एक जर्मनी के प्रोफेसर के साथ मेरा झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस बात का हुआ कि भारत महान कि जर्मनी महान। झगड़ा इस बात का था, वो कहता था जर्मनी महान, मैं कहता था भारत महान। अब दोनों ने झगड़ा सुलझाने के लिए एक रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला, उसने कहा कि मैं तुमसे भारत के बारे में सवाल पूछूंगा, तुम मुझसे जर्मनी के बारे में पूछो, जिसके सवालों के जवाब में सबसे ज्यादा हाँ यस आएगा उसका देश महान। मैंने कहा ठीक है भाई पूछो। तो उसने कहा पहले तुम पूछो। तो मेरा नंबर आ गया पूछने का, तो मैंने उससे सबसे पहला सवाल पूछा, जर्मनी में गन्ना होता है? तो उसने कहा नहीं, गन्ना होता ही नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में केला होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में आम होता है? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा जर्मनी में लीची होती है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में सेब होता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में संतरा होता है? उसने कहा नहीं। अब थोड़ी देर में बौखला गया, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं 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 तो हारने वाला है वो। तो कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, मेरे जर्मनी में कोई मीठी चीज पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा चलो अब दूसरा सवाल है। मैंने कहा जर्मनी में पालक होता है? पालक, क्योंकि पालक तो मीठा नहीं है। तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मेथी होती है? मेथी, उसने कहा नहीं। मैंने कहा जर्मनी में मूली होती है? मूली, उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में बौखला गया। मैंने पूछा धनिया होता है? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा पुदीना होता है? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में कहने लगा मिस्टर राजीव दीक्षित, हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में पैदा नहीं होती, अब आगे पूछो। तो मैंने कहा अब तुम ही बता दो होता क्या है इस देश में। हरे पत्ते की कोई चीज तुम्हारे यहां नहीं होती, मीठी चीज तुम्हारे यहां पैदा नहीं होती, होता क्या है? तो उसने कहा जर्मनी में दो ही चीजें पैदा होती है, एक तो आलू और दूसरी प्याज। अब आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, दो ही चीजें हैं हमारे। फिर मैंने उससे आगे पूछा, मैंने कहा फिर ये जर्मनी के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यहां तो सब माल भरा पड़ा है, यहां तो आम भी मिल रहा है, यहां तो शकरकंद भी मिल रहा है, संतरा भी मिल रहा है, केला भी मिल रहा है, यहां तो सेब भी मिल रहा है, ये सब कहां से लाते हो जब तुम्हारे यहां कुछ नहीं होता? तो उसने कहा ज्यादातर ये माल भारत से आता है। तो मैंने कहा किसका देश महान? तो वो बोला नहीं मुंह से, मान तो लिया उसने कि भारत देश महान, बोला नहीं। मैंने कहा इससे बुलवाना है। तो फिर मैंने कहा अब तुम पूछ लो, तुम भारत के बारे में पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब वो बेचारा फंस गया, क्या पूछे ऐसा जो भारत में नहीं होता। तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, भारत में गन्ना होता है? मैंने कहा इतना गन्ना होता है भारत में कि 6,38,365 गांव में से 4,00,000 गांव में गन्ना ही गन्ना। उत्तर भारत में गन्ना, दक्षिण भारत में गन्ना,
पूर्वी भारत में गन्ना, पश्चिम भारत में गन्ना, और हर जगह का गन्ना अलग है। कहीं लाल गन्ना, कहीं काला गन्ना, कहीं हरा गन्ना, कहीं पीला गन्ना, कहीं गन्ने में रस बहुत ज़्यादा है, कहीं गन्ने में रेशा बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने समझाया 2550 किस्म का गन्ना भारत में होता है। तो उसकी आंखें फट गई हैं। मैंने कहा हाँ, कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया। तो कहने लगा इतना केला? मैंने कहा हाँ, कोई गांव ऐसा नहीं जहां केला नहीं होता इस देश में, हर गांव में केला है। फिर उसने कहा आम होता है भारत में, आम? मैंने कहा भैया भारत में 500 से ज्यादा प्रजाति के आम तो कभी भी मिल जाएंगे, और कुल आमों की प्रजातियां 5000 हैं जो मौसम पे मिल जाते हैं। दक्षिण भारत का अलग आम, उत्तर भारत का अलग आम, पूर्वी भारत का अलग, पश्चिम भारत का अलग। और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर चलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दिल्ली को केंद्र बनाओ, 100 किलोमीटर की परिधि में घूम के आओ, 500 जात का आम तो उतनी दूरी पर ही मिल जाता है। लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली आम, तोतापुरी आम, दशहरी आम, कितने नाम गिनाओ। दक्षिण के तो अभी नाम ही नहीं गिनाए। नीलम आम, बैगन फल्ली आम। तो वो कहने लगा इतना? मैंने कहा हाँ भाई। फिर उसने कहा ये बताओ भारत में क्या नहीं होता। मैंने कहा यही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गांव में होता है। जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है उतना भारत के एक एक गांव में होता है। ऐसा देश है भारत, माने भगवान की बड़ी कृपा है इस देश पर। हर गांव की मिट्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ हो जाता है हर गांव। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हर गांव में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था बस, और कुछ नहीं, क्योंकि नमक सब जगह नहीं होता इस देश में। नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गांवों में होता है। नमक छोड़कर हर चीज हर गांव में होती है, कुछ लाना ही नहीं पड़ता बाहर से। इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत, और इतना समृद्धशाली है, इतना समृद्धशाली कि हर गांव में सैकड़ों किस्म की चीजें पैदा हों इस देश में। और एक गहरी बात कहता हूं आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है, इतना सब कुछ होता है, तो भारत गरीब क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो? क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल? क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे? क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए? क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए, जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है? और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है, ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10-12-15 दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है, सारी मोटर गाड़ियों में, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं, ये गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें। तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में, इतनी गैस।
और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है। उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं, थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा, अब तक जो नहीं था। तो तेल इस देश में, गैस इस देश में, खनिज पदार्थ यहां पर। जंगलों में जाओ तो 84,000 किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में। तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है, फिर देश दरिद्र कैसे हो गया? ये कहानी अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारे सपनों का भारत बनाना आसान होगा। इसलिए ये कहानी मैं सुना रहा हूं आप। कहीं से हम दरिद्र नहीं है, भगवान ने हमें दरिद्र नहीं बनाया, प्रकृति ने हमको दरिद्र नहीं बनाया। हम सब तरफ से दुनिया में किसी भी देश के कॉम्पिटिशन में आगे है, उत्पादन हर तरह का गांव में, और उद्योग भी कोई कम नहीं है अब इस देश में। भारत सरकार का सेंसस है जो ये कहता है कि 5,80,00,000 उद्योग चल रहे हैं इस समय देश में, 5,80,00,000, और अच्छे चल रहे हैं। सारी दुनिया में मंदी आई लेकिन हमारे उद्योगों में नहीं आई, कुछ तो कारण है। कारण उसका एक है कि हमारे उद्योगों में मेहनत करने वाले जो मजदूर है ना, दुनिया में सबसे सस्ते हैं। इतने सस्ते मजदूर पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं जो हमारे उद्योगों में हैं। 12-12 घंटे काम कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह पर, जो कोई नहीं करता पूरी दुनिया। अब श्रम बहुत सस्ता, और भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक माल बहुत है हमारे पास, कच्चा माल। अब दो चीजें अगर उद्योगों को मिल जाएं, श्रम सस्ता हो, कच्चा माल भरपूर हो, वो सस्ता हो, तो उद्योगों में तो पैदा ही पैदा है। 5,80,00,000 उद्योग है, कोई कम नहीं। और इतने उद्योग और इतना खेती, तो व्यापार भी अच्छा है इस देश में, व्यापार में कोई कमी नहीं है। सरकार कहती है कि कम से कम 20,00,00,000 का व्यापार हो जाता है साल में इस देश में, अंदर देश के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सारा कुछ अच्छा अच्छा है, उद्योग, व्यापार, खेती, फिर भारत गरीब क्यों? ये तो गंभीर प्रश्न है। और इतना गरीब कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी में हमारा नंबर आए। अब ये प्रश्न हमें समझना है। अब हमारे मन में इस प्रश्न को समझने के समय एक बात आती है, क्या भारत की गरीबी हजारों साल की है? हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कई बार, जाने अनजाने हम ये कह देते हैं, अरे भारत तो हमेशा से गरीब है। मैं भारत के दो लोगों का नाम लेके कहूंगा। एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है पी चिदंबरम। ये भारत में बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहा, और इस व्यक्ति ने इंदौर नाम के शहर में, मध्य प्रदेश में, एक भाषण दिया था, और मैं उस दिन वहां था, उस भाषण में सामने बैठा था मैं, और चिदंबरम मंच से बोल रहा था। कार्यक्रम क्या था? नई दुनिया नाम का एक अखबार निकलता है इंदौर से। नई दुनिया अखबार ने एक किताब प्रकाशित की थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका विमोचन करने के लिए चिदंबरम आया था। तो भाषण दिया उसने, और क्या भाषण दिया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा है, यहीं से भाषण शुरू किया अंग्रेजी में। अच्छा था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था, ज्यादा लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ, उसने शुरू किया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा, भारत हजारों साल से मुफलिशी का शिकार रहा, ऐसे ऐसे उसने कहना शुरू किया। फिर बीच में कहने लगा, ये तो भला हो अंग्रेजों का जो वो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा बेहतर बना दिया, वरना हम तो अंधेरे में डूबे हुए थे, हमको तो कोई ज्ञान नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, इस देश में तो भयंकर गरीबी ही गरीबी थी। और ये जब वो भाषण दे रहा था तो बार बार पंडित नेहरू को कोट कर रहा था, पंडित नेहरू ने ऐसा कहा, पंडित नेहरू ने वैसा कहा, पंडित नेहरू ने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। वो भाषण जैसे ही पूरा हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैं इधर उधर देख रहा था, किसी के मन में कोई
तकलीफ नहीं। मैंने कहा मैं तो पूछने वाला हूँ इस चिदंबरम से। तो मैंने कहा कि अगर भारत हजारों साल से गरीब था, मैंने सीधे कहा उसको, तो अंग्रेज यहाँ 250 साल झक मारने के लिए क्यों आए? हजारों साल से गरीब देश, गरीबों के यहां कोई 250 साल रहता है आके? गरीबों के तो कोई दर्शन करने नहीं जाता। 250 साल रहना तो कोई सामान्य बात है? 250 साल में 50 पीढ़ियां जवान होके मर गई अंग्रेजों की, यहां क्यों रहे वो? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो पुर्तगाली 450 साल झक क्यों मार रहे थे इस देश में? क्यों आए 450 साल पुर्तगाली अपना देश छोड़कर? 1492 में वास्को डिगामा घुस गया इस देश में और निकला नहीं, फिर अंत तक मार मार के निकालना पड़ा गोवा से पुर्तगालियों को। तो 450 पुर्तगाली, 450 साल पुर्तगाली क्यों आए? 250 साल अंग्रेज क्यों रहे? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो ये मुगल क्यों आए झक मारने के लिए यहां 300 साल? बाबर क्यों आया? उसने सल्तनत क्यों बनाई? गरीबों के देश में जाके कोई राज्य स्थापित करता है क्या? और इतना ही क्यों, मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया इस देश में 7वीं शताब्दी में जब हम हजारों साल से गरीब थे? महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए जब हम हजारों साल से गरीब थे? तैमूर लंग क्यों आया? नादिर शाह क्यों आया? अहमद शाह अब्दाली क्यों आया जब हजारों साल से हम गरीब ही थे? तो इनको तो कहीं अमीर देशों में जाना चाहिए था, वो सब यहां क्यों आए? और सिकंदर क्यों आया यहां अगर हम हजारों साल से ही गरीब थे? तो सिकंदर ने अपने गुरु को यह क्यों कहा कि जब तक भारत विजय नहीं कर लेता तब तक विश्व विजय मेरी नहीं होगी, इसलिए भारत को जीतना बहुत जरूरी है, तो आया यहां पर। और ये तो भारतवासियों का पराक्रम था कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया, मार के भगा दिया हमने उसको, रास्ते में मर गया। और आपको तो इतिहास में मालूम है, शक यहां आए, हूण यहां आए, पिंडारी यहां आए। क्यों आए भाई? हम तो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, बेरोजगारी हमारे यहां है, फिर क्यों आए ये सब? तो चिदंबरम चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। मैंने कहा उत्तर दे दो अगर ये हजारों साल से ही गरीब देश है तो। कहने लगा नेहरू जी ने कहा। मैंने कहा नेहरू जी से तो पूछ नहीं सकता मैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, होते जिंदा तो उनसे पूछ लेता कि कहां से मिला ये तुम्हें कि भारत हजारों साल से गरीब है, किसने कह दिया भारत हजारों साल से गरीब है? मैंने कहा तुम नेहरू के मानस पुत्र हो, तुम ही बता दो, और क्या मानस पुत्र है कि नहीं नेहरू का? मैंने कहा तुम ही बता दो भाई, नेहरू जी से तो क्या पूछ सकता हूं मैं। तो फिर चुप हो गया। ये तो एक बात हुई। ऐसी एक घटना घटित हुई, मनमोहन सिंह जब भारत के वित्त मंत्री बने और थोड़े दिन बाद फिर प्रधानमंत्री बन गए। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो ऑक्सफोर्ड गए थे, अटल जी के बाद इन्हीं का नंबर आया ना, तो ये गए ऑक्सफोर्ड। वहां पर एक सम्मान समारोह हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसमें इनको डी लिट की उपाधि दी गई। तो सम्मान समारोह में इन्होंने एक भाषण दिया 40 मिनट, वो रिकॉर्डेड है हमारे पास। उसमें उन्होंने यही गाना गाया, भारत हजारों साल से गरीब देश है, ये तो अंग्रेज थे जो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा सभ्य बनाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने आकर भारत को तकनीकी सिखाई, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में विज्ञान लाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में उद्योग लाए, हम अंग्रेज, ये बोला उन्होंने 40 मिनट। अगले दिन ये भाषण इंग्लैंड के अखबारों में छपा, तो कई अखबारों ने टिप्पणी लगाई, हेडिंग लगाया कि लगता है भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में ही है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो गान गा रहा है यहाँ आकर, वो एक स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री का गाना नहीं है, ये तो गुलाम देश के गुलाम प्रधानमंत्री का गाना है।
और मैंने ये दो नाम इसलिए लिए कि दोनों जिंदा हैं ये। हाँ, दोनों जिंदा, और इनके साथ मेरे दिल की तमन्ना है कि एक बार इनको मंच पे बिठाओ दोनों को, और मैं इनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। भारत के बारे में, और मैं उनको वो प्रमाण देना चाहता हूं, वो दस्तावेज सौंपना चाहता हूं जो भारत की कहानी कुछ और कहते। अब मैं आता हूं प्रमाणों पर, दस्तावेजों पर। हमारे भारत में अंग्रेजों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1618 में, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला अधिकारी आया उसका नाम था थॉमस रो। थॉमस रो भी कहते हैं उसको, थॉमस रो भी कहते हैं। ये जहांगीर के दरबार में पेश हुआ तो जहांगीर के सामने इसने एक एप्लीकेशन दिया और ये कहा कि हमें भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। तो जहांगीर ने पूछा क्या व्यापार करोगे, तो वो चुप्पी मार गया। फिर पूछा उसको क्या व्यापार करोगे, तो उसने कहा खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है और बेचने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, यही उत्तर दिया था जहांगीर को। जहांगीर ने पूछा था तुम क्या बेचोगे यहां पर, व्यापार का मतलब तो कुछ बेचना और कुछ खरीदना। जहांगीर को मालूम नहीं था व्यापार का और भी कोई मतलब होता है। अंग्रेजों का एक शब्द है TRADE, ट्रेड। ट्रेड का एक मतलब है व्यापार, ट्रेड का दूसरा मतलब है लूट मार। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, हमारे हिंदी में एक शब्द है कनक। कनक का एक अर्थ है धतूरा, कनक का एक अर्थ है सोना, कनक का एक अर्थ है गेहूं। वैसे ही ट्रेड एक शब्द है अंग्रेजी का, इसका एक मतलब है व्यापार, खरीदना बेचना, और दूसरा मतलब है लूट मार, प्लंडरिंग। आप अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़ो 16th सेंचुरी की, वेबस्टर डिक्शनरी मैंने ढूंढी तो उसमें ट्रेड के सामने लिखा है प्लंडरिंग, लूट मार। तो ये आया थॉमस रो, तो इसने जहांगीर को कहा कि हम ट्रेड करेंगे, ये नहीं कहा व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। जहांगीर को लगा कि कुछ बेचेगा कुछ खरीदेगा, हाँ, और अंग्रेजों का था हम तो लूट मार करेंगे, है ही नहीं हमारे पास कुछ बेचने को और खरीदने को पैसे नहीं। खरीदने को पैसे क्यों नहीं थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया कंपनी थी, कुछ था ही नहीं उनके पास। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली मीटिंग की रिपोर्ट निकाली, मिनट्स। पहली मीटिंग हुई इनकी 1599 में, उस मीटिंग में प्रस्ताव हुआ कि ये कंपनी बनेगी और नाम इसका ईस्ट इंडिया रखा जाएगा। क्यों भाई, ये तो अंग्रेजों का नाम नहीं है ईस्ट इंडिया, ये तो भारतीय नाम है। अब अंग्रेज भारतीय नाम क्यों रखेंगे, कुछ तो रहस्य होगा। ईस्ट लंदन क्यों नहीं रखा, ईस्ट लंदन कंपनी, ईस्ट यॉर्कशायर कंपनी क्यों नहीं रखा, या वेस्टमिंस्टर कंपनी क्यों नहीं रखा उसका नाम। वेस्टमिंस्टर तो एक जगह है ना लंदन में, बड़ी मशहूर, जहां से उनकी सारी राजनीति चलती है और सारी दुनिया को गुलाम बनाने की साजिशें वहां रची जाती हैं। तो वेस्टमिंस्टर कंपनी क्यों नहीं रखा उसका नाम, ईस्ट इंडिया क्यों। तो उसकी कहानी पता चली कि भारत का जो पूर्वी इलाका है माने बंगाल, इस बंगाल के इलाके से बहुत सारे पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने भारत के, और वो जहाज लंदन के नजदीक से गुजरते थे, अफ्रीका जाते थे, लैटिन अमेरिका तक जाते थे भारत के व्यापारी। तो जब पानी के जहाज गुजरते थे लंदन के नजदीक, तो अक्सर ये अंग्रेज उनको लूटा करते थे पानी के जहाजों को, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय यही था लूट मार। कारण खेती होती नहीं, और आज से नहीं सैकड़ों साल से नहीं होती। आपको सुनकर हैरानी होगी, अंग्रेजों के देश में खेत जोतने वाला पहला हल 1760 में बना, वो भी भारत के हल की नकल करके, उसके पहले हल ही नहीं था उनके पास। अब जिस देश के किसानों के पास हल ना हो वो खेत में क्या जोत लेंगे, और वैसे भी खेत में कुछ होता नहीं वहां,
तो खेती तो थी नहीं, खेती नहीं थी, उद्योग नहीं था। इंग्लैंड का भी वही हाल था जो जर्मनी की कहानी मैंने सुनाई, ये तो पूरे यूरोप का ऐसा ही हाल था। तो उनके यहाँ कुछ होता नहीं था, तो जिंदगी कैसे कटती थी उनकी। तो समुद्र के रास्ते पर ये इंग्लैंड पड़ता है, ये इनके भगवान ने नसीब में दे दिया समुद्र के किनारे, और उस रास्ते से सब जहाज जाते हैं। अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहाँ से जाना पड़ेगा, अफ्रीका जाना है तो वहाँ से गुजरना पड़ेगा, लैटिन अमेरिका जाना है तो वहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो इंग्लैंड का लंदन एक ऐसी जगह पर है जहाँ से अक्सर पानी के जहाज गुजरते थे व्यापार करने वाले, और दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करते थे दो देश, एक भारत और एक चीन, और इनके जहाज जाया करते थे अक्सर। तो उन जहाजों को ये अंग्रेज लूटते थे। तो भारत से जो जहाज कलकत्ता वाले इलाके के होते थे, ईस्ट इंडिया वाला, पूर्वी भारत का इलाका, वो जहाज भरे हुए होते थे माल से, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, और बहुत प्रचंड माल रहता था। अंग्रेज जब लूटते थे तो बहुत मिलता था उनको, इसलिए उनको लगा कि भारत का जो ईस्ट पार्ट है ये बहुत समृद्धशाली है, यहीं लूटना है हमको, तो नाम रखा ईस्ट इंडिया। ये तो चालाकी अंग्रेजों की हमेशा से है, अंग्रेजों की नहीं, यूरोप के लोगों की। जिस देश में जाओ उसी देश का नाम अपनी कंपनी के साथ लगाओ, हिंदुस्तान लीवर, सुना है कि नहीं? कंपनी तो मूलतः इंग्लैंड की है ना, यूनिलीवर, नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, ताकि आपको उल्लू बना सके कि भारत की कंपनी। करोड़ों भारतवासियों को मालूम नहीं हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी है, पढ़े लिखों को मालूम नहीं, वो तो मुझे तर्क करते हैं राजीव भाई ये तो भारत की कंपनी है ना, नाम में हिंदुस्तान लगा हुआ है। ऐसी ही कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतवासियों को लगे कि ये भारत की कंपनी, तो आ गए लेके उसको। अब पैसे तो थे नहीं, क्योंकि ये कंपनी दिवालिया थी। जब कंपनी बनी ना, तो मैंने वो मिनट्स देखी इनकी 1599 वाली, उनकी मिनट्स वहां लंदन में रखी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस रहा लंदन में, वहां पुराने रिकॉर्ड्स हैं। तो देखा तो इनकी इनिशियल पेड अप कैपिटल जीरो थी, शून्य, पैसे ही नहीं किसी की जेब में, और कंपनी बना ली। तो कैसी कंपनी होगी अंदाजा लगा लो, पैसे तो थे ही नहीं। फिर ये राजा के पास गए और कहा कि हमको लाइसेंस दे दो, हम जाएंगे भारत में। तो राजा ने पूछा गांठ में कुछ है, पैसे वैसे हैं? तो उन्होंने कहा है तो नहीं, फिर क्या करोगे भारत जाके? तो उन्होंने कहा यहां कुछ उधार लिया है हमने, भारत पहुंच जाएंगे, फिर हमें लगता है कि बहुत माल है भारत में, तो पैसे तो भारत से आ जाएंगे, आप बस लाइसेंस दे दो। तो राजा ने जो लाइसेंस दिया इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें लिखा हुआ है कि तुम जो भी कुछ भारत में लूटोगे, माने ट्रेड करोगे, अब ट्रेड का हर समय अर्थ लगाना लूट मार, हाँ नहीं तो समझ में नहीं आएगी आपको कहानी। तो राजा ने कहा जो भी तुम लूट मार करोगे इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो कंपनी ने कहा ठीक है आपका भी हिस्सा है। फिर राजा ने कहा इसमें चर्च का भी हिस्सा होगा, तो कंपनी वालों ने कहा हाँ ठीक है चर्च को भी देंगे। फिर राजा ने कहा मेरे जो चंगू मंगू है, माने ये जो अधिकारी नजदीकी, इनको भी देना पड़ेगा, हाँ हाँ देंगे। फिर ये जो पार्लियामेंट है इसको भी देना पड़ेगा, हाँ हाँ देंगे, हाँ हाँ करते गए। माने पैसे का बंटवारा पहले ही हो गया कि भारत में घुसोगे लूटमार करोगे तो इतना प्रतिशत राजा को, इतना प्रतिशत चर्च को, इतना प्रतिशत एमपीज को, इतने प्रतिशत अधिकारियों को, जो बचेगा वो तुम्हारा। इस पत्र को लेके वो भारत में आए, ये था उनका अथॉरिटी लेटर। अब घुस गए, जहांगीर के सामने पेश हुआ और कहा कि व्यापार करने का लाइसेंस दे दो। तो जहांगीर समझा ये करेंगे खरीद फरोख्त, और उनके लिए था लूटमार। तो जहांगीर ने पूछा भी कि तुम बेचोगे क्या? तो इन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है बेचने को। तो खरीदोगे क्या? तो उन्होंने कहा पैसे भी नहीं है, तो फिर व्यापार कैसे करोगे? तो थॉमस रो ने जहांगीर को कहा कि देखो हम भारत से कुछ माल उधारी में लेंगे, उधार, और ले जाके बेचेंगे कहीं, फिर मिलेगा पैसा उसमें से आपको दे देंगे। अब जहांगीर ऐसा भोला भाला सीधा साधा, लाइसेंस दे दिया उसे। मुगल राजाओं में सबसे ज्यादा भोला और सीधा यही था जहांगीर, दे दिया लाइसेंस। अब वो लाइसेंस लेके गए सूरत में
और सूरत में सबसे पहले लूट मार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जिस घर को लूटा सूरत में, वो घर अभी भी है, कभी भी जाके देख सकते हैं। सूरत में वो घर है, उस पे नाम अंग्रेजों ने अपना लिख दिया, कूपर विला। पहले वो किसी स्थानीय राजा का महल था, वहां लूटा इन्होंने और लूट के पैसे आए, उस पैसे से फौज बनाई, सेना बनाई, फिर और लूटा, फिर और पैसे आए, फिर और लूटा, फिर और पैसे आए, फिर फौज बढ़ती गई, सेना बड़ी होती गई, तो सूरत के बगल में नवसारी को लूटा, फिर वलसाड को लूटा, फिर भरूच को लूटा, फिर अंकलेश्वर को लूटा, और इस पूरे इलाकों को लूटते लूटते ईस्ट इंडिया कंपनी करोड़पति हो गई। जिनकी गांठ में पैसा नहीं था धेला, उनकी पूंजी हजारों करोड़ पौंड की हो गई मात्र 35-40 साल। तो फिर इस कंपनी को लगा कि इस इलाके से कहीं और चलो लूटने, तो फिर पूर्वी भारत में आ गए, कलकत्ता आदि आ गए, वहां लूट मचाई इन्होंने। और लूटने के तरीके क्या थे इनके, ये एक चिट्ठी बनाते थे अंग्रेजी में, और किसी भी करोड़पति भारतवासी के घर में वो चिट्ठी फेंकी जाती थी, और उसमें लिखा जाता था 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो तुम्हारा घर लूटेंगे। अब भारतवासी क्या सोचते थे, अगर घर लूटा तो 10 करोड़ निकल जाएगा, तो 1 करोड़ दे दो भाई। और जो भारतवासियों के पास होता था उन्हीं के घर में चिट्ठी जाती थी, ये उनका तरीका था लूटने का। फिर राजाओं को लूटना शुरू किया उन्होंने, और राजाओं के साथ यही होता था, किसी राजा से 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी, किसी से 50 करोड़ मांगी। कुछ राजा थे जो चुपचाप दे दिया करते थे, कुछ राजा थे जो उनसे लड़ाई लड़ा करते थे। दोनों तरह के राजाओं के नाम बताता हूं, तुरंत आपके ध्यान में आएगा। एक राजा थे जीवाजी राव सिंधिया, वो चुपचाप दिया करते थे जितना अंग्रेज मांगते थे। और उन्हीं के पड़ोस में एक रानी थी महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उसने 1 पैसा नहीं दिया कभी अंग्रेजों। जब जब अंग्रेजों ने चिट्ठी लिखी झांसी रानी को, फाड़ के फेंक दी उसने। ये हैदराबाद का निजाम हुआ करता था, ये चुपचाप देता था अंग्रेजों, चुपचाप जितना मांगा उतना देता था। और यहीं पड़ोस में ऐसी एक महारानी थी कित्तूर चन्नम्मा बेलगाम में, 1 पैसा नहीं दिया कभी उसने अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों की चिट्ठी आई उसने फाड़ के फेंकी। ऐसे भारत में राजाओं के बंटवारे थे, कुछ राजा कमजोर, कायर, नपुंसक, निर्वीर, निकम्मे, वो चुपचाप अंग्रेजों को दिया करते थे, और कुछ राजा थे शूरवीर, ताकतवर, साहसी, जो अंग्रेजों से लड़ा करते थे। अपने जयपुर का राजा भी ऐसा ही था, चुपचाप दिया करता था अंग्रेजों, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन उसी के आसपास उदयपुर का इलाके के जो राजा थे कभी नहीं देते थे अंग्रेजों। तो ऐसे चला, तो जिन जिन राजाओं से पैसे मिले अंग्रेजों ने लिए और बड़ी फौज बनाई, फिर उन राजाओं से उन्होंने संधियां की अंग्रेजों ने, उसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, मित्रता की संधि। अब इस संधि में क्या होता था, राजाओं का गुणगान किया जाता था, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पैसे दे रहे हैं हमको, तो अंग्रेज उसमें लिखा करते थे बहुत अच्छे हैं, उनकी बढ़ाई करते थे झूठ मूठ की। और अंत में एक वाक्य लिखा जाता था, वो खतरनाक होता था, वो वाक्य होता था कि जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा, ये वाक्य लिखा जाता था। इसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप। सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी एक पन्ने में, नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा रहता था नोट करके, NOTE नोट, और ये सब अंग्रेजी में लिखा जाता था कि आप जब मर जाओगे आपका राज्य हमारा हो जाएगा। कभी कभी उसमें लिखा जाता था कि अगर आपकी कोई संतान नहीं हुई तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा। इस तरीके से सारे राज्य हड़पे अंग्रेजों ने। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक भी राज्य को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता, एक भी राज्य युद्ध में नहीं जीता, सबको संधि करके कब्जे में ले लिया।
हम अंग्रेजों से कभी युद्ध में नहीं हारे, चालाकी में हारे। भारतवासियों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। भारतवासी शूरवीर हैं, प्रतापी हैं, मजबूत हैं, होशियार हैं, अकल वाले हैं, सब कुछ हैं, चालाकी नहीं आती, एक ही चीज में कमजोर है। वो एक गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हमें अनाड़ी। वो गाना हम पे सटीक है भारतवासी। सब सीखा हमने, गणित सीखा, विज्ञान सीखा, खगोल शास्त्र सीखा, दर्शन शास्त्र हमने सीखा, धातु शास्त्र हमने सीखा, दुनिया को सिखाया, उद्योगों में दुनिया को हमने क्या क्या ज्ञान नहीं दिया, सारी दुनिया को गणित का नंबर सिस्टम हमने दिया, शून्य का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र के सारे आविष्कार हमारे हैं, सब कुछ हमारे पास है, चालाकी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कोई कारण है तो एकमात्र कारण है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो मौसम है, वो इतना अनुकूल है कि हम चालाक हो ही नहीं सकते। चालाक होने के लिए जो जीन की जरूरत पड़ती है, वो जीन भारत में हो ही नहीं सकता। चालाक जीन, जिसको हम डीएनए कहते हैं ना, जिस डीएनए से चालाकी आती है, वो दुनिया के उन्हीं देशों में होता है जो देश कठोर है, जहां जिंदगी मुश्किल है, जहां ठंड पड़ती है 8-8 महीने, टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री, वहां के लोगों के जीन में प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है कि उनको चालाक होना पड़ता है, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाए। हमको भगवान ने चालाकी वाला जीन ही नहीं दिया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। चालाकी नहीं आती तो नहीं आती, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चालाकी ही आती थी और कुछ नहीं आता था, तो वो चालाकी करते थे। चिट्ठी लिखी, संधि पत्र, उसमें एक लाइन डाल दिया। अब राजा उसको पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। तो राजा क्या करता था, अंग्रेजों से पढ़वाता था, देखो इसमें क्या लिखा है। अंग्रेज उसको यही पढ़ के सुनाते थे, ये बहुत अच्छा है, आपके हित में है, राज्य के हित में। ये नहीं बताता था कि नीचे लिखा हुआ आपका राज्य चला जाएगा मरने के बाद। इस चक्कर में हम अंग्रेजों की गुलामी में चले गए। बहुत दिन तक मैं ये खोज करता रहा कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज और इतने बड़े देश को गुलाम बना ले, वो चालाकी से किया उन्होंने, ताकत से नहीं किया। युद्ध में कभी नहीं हारे हम, जब जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े भारत के राजाओं ने, अंग्रेज हारे हर युद्ध में। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने 18 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में नहीं जीत पाए। दक्षिण भारत में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने 17 युद्ध लड़े, एक में भी नहीं जीत पाए। रानी कित्तूर चन्नम्मा के साथ 4 युद्ध लड़े अंग्रेजों ने, हरेक में हारे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जितने युद्ध लड़े, सब में अंग्रेज हारे। जीते कभी नहीं वो हमसे किसी भी युद्ध में, चालाकी में जीते वो हमसे। उन्होंने संधियां कर करके राज्यों को गुलामी में लिया। तो पहले जो अनुकूल राजा थे अंग्रेजों को मदद करने वाले, वो गुलामी में गए। फिर अनुकूल राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने प्रतिकूल राजाओं पर कब्जा किया, और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत को गुलाम बनाया। और जिन खानदानों का नाम इसमें सबसे ऊपर है, सिंधिया खानदान उसमें नंबर एक है। भारत को गुलाम बनाने वालों का खानदान है ये। राजा मानसिंह का खानदान गुलाम बनाने वालों का खानदान है। जयचंद और अमीर चंद का खानदान देश को गुलाम बनाने वाले खानदानों में है। और ऐसे बीसियों खानदान, ये निजाम का खानदान देश की गुलामी लाने वाला खानदान रहा है। इनकी मदद ली अंग्रेजों ने, इनकी सेना ली, इनके पैसे लिए, और जो शूरवीर राजा थे एक एक करके मारा, सबको खत्म किया, और वो सब आप जानते हो। और एक दिन सारा देश उनके कब्जे में चला गया, और जब कब्जे में आ गया देश, तो उन्होंने एक ही काम किया, ट्रेड। ट्रेड माने लूट मार। और वो कैसे मचाई लूट मार, एक कहानी सुनाता हूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज इस देश में आया 1750 में,
और उसने भारत में आकर बंगाल के राजा जिसका नाम था सिराजुद्दौला उसके दरबार में एक एप्लीकेशन भेजा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। बंगाल उस समय मुगल सल्तनत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेजों ने जहांगीर से लाइसेंस लिया था ना, तो जहांगीर का लाइसेंस उतने ही एरिया में काम करता था जहां तक मुगलों की सरकार थी। पूरे देश में मुगलों की सरकार कभी भी नहीं रही, पूरे देश में, थोड़े से इलाके में थी। तो मुगलों की सरकार जहां तक थी वहां तो लूटमार कर ली इन्होंने। फिर ये आए बंगाल में और यहां नई सरकार थी, नया राजा था, वहां भी लाइसेंस लेना था इनको। तो सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता लाइसेंस। क्यों? तो कहता मेरे नाना ने मना किया है। सिराजुद्दौला के नाना थे अली वर्दी खां, उन्होंने सत्ता दी थी सिराजुद्दौला को। ये सिराजुद्दौला अपनी, उसकी जो मां थी वो अली वर्दी खां की बेटी थी और अली वर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, तो बेटी के बेटे को उन्होंने सत्ता सौंपी थी। तो नाना ने कहा था कि देखो जिंदगी में कभी भी किसी पे भरोसा करना, अंग्रेजों पे मत करना, क्योंकि ये कौम भरोसा करने लायक नहीं है। ये हाथ पकड़ेंगे तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो ये समझकर वो बैठा था गद्दी पे। तो जब अंग्रेज आया रॉबर्ट क्लाइव उसके सामने, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं तो लाइसेंस नहीं दूंगा, मेरे नाना ने मना किया। तो ये बोला रॉबर्ट क्लाइव कि अच्छा तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो हम तुम्हारे राज्य पे हमला करेंगे। तो इसने कहा हमले को मैं सामना करूंगा, लाइसेंस नहीं दूंगा, तुम तैयारी कर लो। तो युद्ध की तैयारी हुई, तारीख तय हो गई 23 जून 1757 को युद्ध होगा। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव लड़ेगा, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला लड़ेगा। तो सिराजुद्दौला ने पता कराया कि रॉबर्ट क्लाइव के पास सैनिक कितने हैं। तो उसका दूत गया और ढूंढ के आया तो कहने लगा 350 सैनिक हैं कुल। तो सिराजुद्दौला ने कहा ये तो 20 मिनट में मारे जाएंगे। तो उसने तय किया कि मुझे तो युद्ध में जाने की ही जरूरत नहीं है, मेरा तो सेनापति ही लड़ लेगा जाके। और सेनापति को उसने सेना दे दी और सेना में 18,000 सैनिक, और सेनापति मीर जाफर पहुंच गया युद्ध के मैदान में। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है तो उसके हाथ पैर फूल गए, और हाथ पैर फूल गए उसको लगा कि मैं तो मारा जाऊंगा। तो उसने एक चालाकी की, सेना के सेनापति को चिट्ठी भेजी मीर जाफर को कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, संधि कर लो, तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और उसमें लिखा कि तुमको मैं बंगाल का राजा बनवा दूंगा, हाँ, और हम तुम मिलके सिराजुद्दौला को मार डालेंगे, तुम युद्ध मत करो, संधि कर लो। अमीर जाफर के मन में लालच आ गया राजा बनने का, और उसने कहा रॉबर्ट क्लाइव ने कि खजाना तुम्हारा हो जाएगा पूरा। तो ये तैयार हो गया मीर जाफर। तो इसने संधि की रॉबर्ट क्लाइव के साथ 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि प्लासी के मैदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई थी। और उस संधि में मीर जाफर के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने समर्पण किया, सिर्फ एक लालच में कि कुर्सी मिलेगी मीर जाफर को। अब हुआ क्या कि 18,000 सैनिक समर्पण करके रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना में उनको मिला लिया, ये चालाकी हुई। उसके तो 350 सैनिक थे जो इंग्लैंड से आए थे, इधर 18,000 सैनिक और मिल गए। तो ये 18,000 सैनिक और 350 अंग्रेज सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मारने का अभियान किया। और उस अभियान में हुआ ये कि ये प्लासी के युद्ध में मैदान जो प्लासी का था ना वो कलकत्ता के पास है, और सिराजुद्दौला की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दूर थी। तो उस राजधानी तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा घोड़ों पे बैठ के। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में जो कहानी लिखी है वो सुना रहा हूं आपको मैं, ये वो रॉबर्ट क्लाइव की डायरी से निकली हुई कहानी है। उसमें वो लिख रहा है कि मैंने जब मीर जाफर को संधि में फंसा लिया और मीर जाफर आसानी से फंस गया तो मुझे लगा कि अब तो बंगाल मेरा हो जाएगा।
तो बंगाल के राजा को मारना है बस सिराजुद्दौला को। तो वो कहता है मैं मीर जाफर, मेरे पीछे 350 सैनिक और उसके पीछे भारत के 18,000 सैनिक, हम सब गए सिराजुद्दौला को मारने के लिए। तो सड़क के किनारे से जहां जहां से हम गुजरे हजारों भारतवासियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाई, लेकिन किसी भारतवासी ने हमें पत्थर उठा के नहीं मारा। वो कहता है मैं घोड़े पे आगे चलता था, मेरे पीछे 350 सैनिक थे, उसके पीछे 18,000 भारत के सैनिक थे और सड़क के दोनों तरफ भारतवासी खड़े होकर तालियां बजाते थे। मेरे ऊपर अगर किसी भी एक भारतवासी ने पत्थर उठा के मारा होता और सैकड़ों भारतवासियों ने उसका अनुकरण किया होता पत्थर मारने का, तो हम तो उसी दिन मर जाते और भारत का इतिहास तो कुछ और हो गया होता। लेकिन चूंकि किसी ने पत्थर नहीं मारा, हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और एक दिन जाकर हमने सिराजुद्दौला को मार दिया। फिर मीर जाफर को राजा बना दिया। फिर एक दिन मैंने मीर जाफर को मरवा दिया, मीर कासिम को राजा बनाया। फिर एक दिन मीर कासिम को मरवा के मैं खुद राजा हो गया बंगाल का। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। और जब शासन स्थापित हुआ तो लूटमार और ज्यादा की उन्होंने, फिर तो सरकार उनकी हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने भारत के सबसे मशहूर राज्य बंगाल को लूटा, जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली था। 6 साल में लूटता रहा, 6 साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे लंदन वापस बुला लिया गया। तो उसने कहा लूट का माल तो लेके जाना था लंदन, मैं लेके गया। तो लूट का माल ये जो लंदन लेके गया, तब इसने बेईमानी की। बेईमानी क्या की कि राजा को कुछ नहीं दिया, जबकि हिस्सा देना था राजा को लूट का, और राजा के कर्मचारियों को भी नहीं दिया। तो राजा ने इसके खिलाफ एक मुकदमा चलवाया रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। उस मुकदमे की सुनवाई में रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए। तो उसने कहा कि मैं सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया। कितना लेके आए? तो उसने कहा गिना तो नहीं है लेकिन अंदाजा बता सकता हूं। तो कितना? तो उसने कहा भारत से सोने के सिक्के लंदन लाने के लिए, हीरे जवाहरात लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए। पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए, तब मैं पूरा माल लंदन लेके आया। तो अंग्रेजों का राजा उछल गया। उसने कहा 900 जहाज? कहा हां। नाव तो नहीं? उसने कहा जहाज। तो फिर उससे पूछा गया एक जहाज में कितना माल आता है? उसने कहा 60 से 70 मीट्रिक टन एक जहाज में इतना माल आए, ऐसे 900 जहाज लूट कर मैं लाया हूं भारत से। आप अंदाजा लगाओ एक अंग्रेज ने लूटा हुआ ये था, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात। उसका मैंने आज के हिसाब से आकलन किया कि अगर वो 900 जहाज पानी के सोना ही गया हो तो कितना बैठता है, तो आज के मूल्य के हिसाब से वो करीब करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपए बैठता है। एक अंग्रेज ने लूटा उतना। फिर क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने तो रास्ता खोल दिया लूट का। फिर दूसरा आ गया, उसकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी आया, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश को। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा आ गया, विलियम पिट, उसने लूटा इस देश को। फिर चौथा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर पांचवा आ गया इस देश में लॉरेंस, उसने लूटा इस देश को। फिर छठा आ गया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। ऐसे 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आते रहे, लूटते ही रहे इस देश को। और वो जो लूट मची इस देश में, उसमें ये देश गरीब हो गया। ये देश गरीब नहीं था क्योंकि अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत पर जो रिसर्च की है, ऐसे 200 इतिहासकार हुए इंग्लैंड में, विलियम डिग्वी हुआ, विलियम डेरिलिम्पल हुआ, जे कैंपवेल हुआ, ऐसे अंग्रेजों के 200 से ज्यादा बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए जिन्होंने भारत पर रिसर्च की। और उन सब ने एक बात लिखी है
कि भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर है। हम कहते रहते हैं ना, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। विलियम डेरिलिम्पल कहता है कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर था। विलियम डिग्वी ने लिखा अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। और विलियम डिग्वी तो कहता है कि दुनिया भर का सारा सोना इकट्ठा होके भारत में आता था। और ये कैसे आया भारत में सारा सोना इकट्ठा होके? भारत में सोना पैदा तो होता नहीं, और हमने सोना कभी किसी देश से लूटा नहीं, फिर कहां से आया? सारे देश का सोना, सारी दुनिया का सोना हमारे यहां क्यों आता था? तब पता चला दस्तावेजों में कि 3000 साल भारत ने दुनिया में निर्यात का व्यापार किया है, खाली निर्यात किया है, आयात नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट किया है 3000 साल। और उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है। हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे 3000 साल सारी दुनिया में, और हमारा कपड़ा इतना बेहतरीन होता था, सारी दुनिया में बिकता था, तौल से बिकता था उस समय कपड़ा। अभी मीटर से बिकता है, पहले तौल से बिकता था। और दस्तावेज मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, आपको भी दिखाऊंगा कभी, कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था और उसके बराबर के वजन का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था। सोना हमें मिलता था, कपड़ा हम बेचते थे। हमने 3000 साल कपड़ा बेचकर सोना कमाया, 3000 साल। और 3000 साल दुनिया हमारा कपड़ा पहनती रही है, क्योंकि जितना बेहतरीन कपास भारत में होता था कहीं नहीं होता था। हमने कपड़ा पहनाया दुनिया को, हमने कपड़ा बनाना सिखाया पूरी दुनिया को, उसके प्रमाण है। फिर कपड़े के अलावा हम बेचते थे स्टील, लोहा। भारत में जो लिखित प्रमाण मिले हैं अब तक, वो ये बताते हैं कि 10वीं शताब्दी से स्टील बनता है इस देश में। आज से लगभग 1000 साल पहले से स्टील बनता है, और स्टील की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी हमारे देश में कि उस स्टील में जंग नहीं लगता। एक अंग्रेज बड़ा स्कॉलर हुआ, जे कैंपवेल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, स्कॉलर भी था। उसने लिखा है कि हम भारत का स्टील खरीद के जहाज बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा स्टील कोई नहीं बनाता जो भारत में बनता है। और वो कहता है कि भारत का जहाज, जब हम भारत के स्टील से जब जहाज बनाते हैं तो कम से कम 100 साल चलता है वो जहाज। 70 साल तो हम चलाते हैं उस जहाज को पानी में, और 30 साल उसको बेच देते हैं तो दूसरा देश चला लेता है। 100 साल वो जहाज पानी में घूमता है लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। इस क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है, पानी में घूमे जहाज और जंग ना लगे। वो कहता है भारत का जो आयरन ओर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है, और भारत के लोगों की जो अकल है उस आयरन ओर से स्टील बनाने वाली, वो दुनिया में बेजोड़ है, किसी के पास इतनी अकल नहीं। जे कैंपवेल ने बहुत विस्तार से लिखा स्टील प्रोडक्शन पे। वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं, ब्लास्ट फर्नेस। वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो ऐसे ही पैदा कर लेते हैं भारतवासी, इनकी अकल इतनी ऊंची है। 1500 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करना मजाक बात नहीं है, वो भी बिना बिजली के, बिजली नहीं थी उस समय। तो हम क्या जलाते थे? हम जलाते थे लकड़ी, और कुछ खास तरह की लकड़ी को खास तरह के केमिकल से मिलाकर जलाते थे, तब इतना टेम्परेचर होता है। लकड़ी में सामान्य रूप से 700-800 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, लेकिन हम 1500 तक डिग्री का टेम्परेचर पैदा करते थे, तभी लोहा गलता है, इससे कम पे लोहा पिघलता नहीं। तो इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे, सारी दुनिया में बिकता था ये स्टील, और हम लोहा बेच के फिर सोना कमाते थे। फिर हम ईंट बेचते थे सारी दुनिया में, सबसे ज्यादा भारत की ईंट बिकती थी। अपने भारत में एक पतली ईंट बनती है, पतली, एकदम पतली। वो ईंट की विशेषता है कि उसकी उम्र 1000 साल है। ये जो मोटी ईंट है ना, ये 500 साल में टूट जाती है, पतली ईंट 1000 साल तक चलती है। और वो पतली ईंट हमारे यहाँ सभी किलों में लगी हुई है, जाके देख लो, पुराने किले जितने हैं ना
और पुराने किले अभी तक बचे इसलिए हैं कि पतली ईंट लगी हुई है उनमें, और ईंट से ईंट जोड़ने के लिए चूना लगा हुआ है। चूना की उम्र 1000 साल है। सीमेंट ये जो बनता है ना जोड़ने वाला, ये 100 साल भी नहीं टिकता, और चूना 1000 साल चलता है, जबकि सीमेंट उसी चूने से बनता, ध्यान देना। हाँ, सीमेंट चूने से ही बनता है, लेकिन हम चूना जो तैयार करते थे वो 1000 साल टिकता था, ये सीमेंट 100 साल नहीं टिकता। और चूने से घर बनाओ तो कभी भी क्रैक नहीं आता दीवार में, दरार नहीं पड़ती। सीमेंट का घर बनाओ, तीसरे दिन दरार पड़ जाती है, इतनी रद्दी टेक्नोलॉजी है सीमेंट। क्यों? यूरोप से आई है। हाँ, हमने नहीं बनाई ये सीमेंट की टेक्नोलॉजी, ये विदेशों से आई है। हमारे यहां तो चूना बनता था और चूना बिकता था, ईंट बिकती थी। दुनिया भर के, यूरोप के कई देशों के भवन और इमारतें भारत की ईंट से बने हुए हैं, अभी भी हैं, जाके देख सकते हैं। लंदन में कई बिल्डिंग है जो भारत की ईंट से बनी है। और हम स्टील बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, चूना बेचते थे, ईंट बेचते थे, ऐसी हम सैकड़ों चीजें बेचते थे, मसाले बेचते थे, औषधि बेचते थे, खाने पीने का माल बिकता था, और ये सब सोने के बदले में बिकता था, क्योंकि सोना एक्सचेंज का माध्यम था। तो सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हुआ, इसलिए ये देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर बना, और इसलिए इस देश के सोने को लूटने के लिए 1000 साल विदेशी आते रहे। मोहम्मद बिन कासिम सोना लूटने आया था, महमूद गजनबी सोना लूटने आया था, तैमूर लंग सोना लूटने आया था, अहमद शाह अब्दाली सोना लूटने के लिए आया था, पुर्तगालियों का वास्को डिगामा भी सोना लूटने आया था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का वो सोना ही लूटने आया था। ये सब सोने के लुटेरे थे, व्यापारी नहीं थे। और इन्होंने जो लूट मचाई इस देश में 1000 साल, उसमें ये देश कंगाल हो गया, गरीब हो गया, भुखमरी का शिकार हो गया। अब एक एक अंग्रेज 900 जहाज पानी के भरकर यहां से सोना ले जाए, एक अंग्रेज, और ऐसे 84 अंग्रेज, अंदाजा लगाओ कितना लूटा होगा। मैंने ये जो प्रमाण इकट्ठे हुए इन पे से अंदाजा लगाया और एक कैलकुलेशन किया, अंग्रेजों ने कम से कम 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी है यहां से, 300 लाख करोड़। और ये लूट चलती रही 15 अगस्त 1947 तक। अब महत्व की और एक बात कहना चाहता हूं, इस लूट के दो हिस्से थे, एक लूट होती थी अनऑफिशियल और एक होती थी ऑफिशियल। अनऑफिशियल लूट थी, किसी के भी घर में घुसो लूट के ले आओ, और ऑफिशियल लूट कैसी थी, भारत के लोगों पर टैक्स लगाओ और लूट के ले जाओ। एक लूट किया अनऑफिशियल अंग्रेजों ने, दूसरा किया ऑफिशियल टैक्स लगा के। ये जो टैक्स वाली लूट शुरू हुई ये 1840 से शुरू हुई। 1840 के पहले बिना टैक्स वाली लूट थी जो मैं बताया रॉबर्ट क्लाइव की। 1840 में क्या हुआ, हुआ ये कि यहां रॉबर्ट क्लाइव आया 1834 में, माफ करना, मैकॉले आया, थॉमस बेब मैकॉले आया, मैकॉले मैकॉले जिसको आप अक्सर गाते रहते हैं ना, वो आया यहां 1834 में और घूमा भारत में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और घूम टहल के चला गया वापस। तो उसको पूछा तुमने भारत में क्या देखा, तो उसने कहा I have traveled length and breadth of this country India, but I have never seen a beggar and thief in that country India। वो कहता है मैंने पूरा भारत घूम लिया, 2 फरवरी 1835 को ये बोल रहा है मैकॉले, कह रहा है मैंने पूरा भारत घूम लिया लेकिन एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा वहां और एक भी चोर नहीं देखा। और ये कब कह रहा है, 1835 में। 1835 का माने आज से 175 साल पहले तक, आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं था, क्योंकि कोई भिखारी नहीं, कोई चोर नहीं। भिखारी और चोर क्यों होगा, क्योंकि गरीबी नहीं थी। फिर वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट आई एम मेस्मराइज्ड।
वो कहता इतना धन और संपत्ति मैंने भारत में देखा है, मेरी आंखें चौंधिया गईं। फिर किसी ने उससे पूछा क्या धन संपत्ति तुमने देखा, तो वो कहता है कि भारत के सामान्य घरों में जब मैं गया तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता। फिर वो कहता है कि भारत के किसी घर में मैंने ताला नहीं देखा, क्यों? क्योंकि चोरी नहीं होती, चोरी क्यों करेगा कोई, सबके पास इतना माल है, क्यों कोई किसी की चोरी करे। फिर वो कहता भारत वाले अजीब हैं, अपना घर खोल के चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, एक एक साल बाद आते हैं लेकिन घर में कोई चोरी नहीं होती, एक एक साल घर खुले पड़े रहते हैं क्योंकि चोरी करने की जरूरत ही नहीं। ये सारा वर्णन वो सुना रहा है भारत के बारे में। और फिर अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई, मैकॉले की बात पर अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि ये कुछ एग्जेजरेट कर रहा है भारत के बारे में। तो मैकॉले के पहले जिन अंग्रेजों ने भारत में आकर सर्वेक्षण किए थे वो पुरानी रिपोर्ट सब निकाली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 1835 से 1840 में सभी रिपोर्ट पर बहस हुई। तो एक रिपोर्ट उसमें से मिली, वो ये बताती है कि 1835 तक सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% था, 33% वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा, दुनिया में 100 रुपए का माल बिकता था तो 33 रुपए का माल हमारा था, दूसरे नंबर पर निर्यात था तो वो चीन का था 27%। फिर वही रिपोर्ट बताती है कि सारी दुनिया में जो आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की थी, पूरी दुनिया की आमदनी का। और वही रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन भारत में होता था, पूरी दुनिया का। तब पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था। अब तक हम सोचते रहे कृषि प्रधान, कृषि प्रधान तो था ही, उद्योग प्रधान भी था और व्यापार प्रधान भी था, वरना 33% एक्सपोर्ट हम कैसे करते। तो जब ये बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में तब ये तय किया गया कि भारत में अभी भी इतनी समृद्धि है। तो ये कहता है मैकॉले, हां बहुत समृद्धि है, तो ये पैसा कैसे आए लंदन। तब बात आई कि ये सारा पैसा लंदन अगर लाना है भारत से तो एक ही रास्ता अब है हमारे पास कि हम भारत को टैक्स लगाकर लूटें। अब तक तो हम बिना टैक्स के लूटते रहे तो भारत कंगाल हो नहीं पाया, गरीब हो नहीं पाया, अब टैक्स लगा के लूटो इस देश को। तब अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू किया। सबसे पहला टैक्स अंग्रेजों ने लगाया एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन का कर, 1840 में। बहस हुई अंग्रेजों की संसद में तो यह तय हुआ कि भारत के उद्योगपति सारी दुनिया में जो व्यापार कर रहे हैं तो इसके लिए जो उत्पादन हो रहा है उत्पादन पर ही टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी लगाई 350%, माने 100 रुपए का माल बनाओ तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने दोबारा तय किया एक दिन संसद में कि जो व्यापार करने वाले उद्योगपति हैं वो बना रहे हैं तो हमने टैक्स लगा दिया, अब ये बेच रहे हैं तो इस पे भी टैक्स लगाओ। तो दूसरा टैक्स लगाया CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वो था 180%, 100 रुपए का माल बेचो 180 रुपए दो अंग्रेजों। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये बेचकर मुनाफा जो कमा रहे हैं भारत के उद्योगपति इनके मुनाफे पे भी टैक्स लगाओ। तब तीसरा टैक्स लगाया इनकम टैक्स, और वो लगाया 97%, 97%, 100 रुपए कमाओ 97 रुपए अंग्रेजों को दो। फिर अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी उद्योगपति कुछ भी बनाएगा, बेचेगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा, तीन जगह हमने टैक्स लगा लिया, अब वो सामान को बेचने के लिए जब एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो फिर लगाओ इस पे टैक्स। तो एक तो लगाया उन्होंने रोड टैक्स, सड़क पर से लेके जाओ, एक लगाया टोल टैक्स, पुल पे से लेके जाओ, फिर एक लगा दिया चुंगी कर, किसी गांव में लेके आओ माल को। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये व्यापारी मुनाफा तो कमाएंगे फिर भी,
तो घर बनाएंगे, इनके घरों पे टैक्स लगा दो आप, हाउस टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दो। और ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 तरह के टैक्स लगा दिए इस देश में। और जब ये टैक्स लगे तब ये देश पूरा निचुड़ गया, सब लुट गया इस देश का, कुछ नहीं बचा। क्योंकि 100 रुपए के माल पे 1000 रुपए टैक्स अगर लग गया तो कैसे कोई उद्योग बचेगा, कैसे कोई व्यापार बचेगा। परिणाम क्या हुआ, 90 साल अंग्रेजों ने ये टैक्स लगा के रखा, 90 साल में भारत खत्म हो गया। जो भारत 33% निर्यात करता था दुनिया में, 90 साल के इस टैक्स सिस्टम के बाद वो निर्यात 5% रह गया, क्योंकि सारे उद्योग खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। फिर अंग्रेजों की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने बहस की और उसमें ये आया कि भारत पर हमने जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया, बात सही है, लेकिन हमें और कोई विकल्प नहीं था, यही करना था हमें, क्योंकि हमें तो अपने देश को समृद्ध बनाना था, भारत को लूटना था, यही एक रास्ता था। फिर एक बहस आई कि भारत में हमें दो फायदे हुए टैक्स लगाने से। पहला फायदा यह हुआ कि भारत के जितने ईमानदार उद्योगपति और व्यापारी थे सबने टैक्स भरा, सब बर्बाद हो गए, अब वो जिंदा नहीं है। तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में मोनोपोली हो गई, जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो मोनोपोली हो गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी सारा मुनाफा लेके जा रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो भारत के व्यापारियों ने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया वो बेईमान हो गए, और बेईमानों को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है, इसलिए वो गुलामी में हमारे हजारों साल रहेंगे। तो एक उद्देश्य था लूटना, दूसरा उद्देश्य था भारत के उद्योगपति और व्यापारियों को बेईमान बनाना ताकि वो गुलामी में रहें। और आप ध्यान देना, बेईमान आदमी ही गुलाम होता है, ईमानदार गुलाम नहीं हो सकता। बेईमान आदमी क्यों गुलाम होता है, इसलिए कि हर समय डरता है और उसका डर उसको गुलाम बना देता है। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेज लाए, इससे उन्होंने डर पैदा किया उद्योगपति और व्यापारियों के मन में। टैक्स वसूला वो तो एक काम, डर पैदा किया वो उससे ज्यादा बड़ा काम। तो जो व्यापारी ईमानदार थे वो तो लड़ते रहे अंग्रेजों से और खत्म हो गए, लेकिन जो थोड़े कमजोर थे वो टैक्स चोरी करने लगे और बेईमानी में फंसते गए और अंग्रेजों की गुलामी में पक्के आ गए। फिर उन्होंने अंग्रेजों का गाना गाना शुरू कर दिया, अंग्रेज अच्छे हैं, अंग्रेजी अच्छी है, सभ्यता उनकी अच्छी है, परंपरा उनकी अच्छी है, ऐसे बहुत लोग निकले इस देश में। तो अंग्रेजों के दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। अब टैक्स सिस्टम को लाके उन्होंने जो तकलीफ दी इस देश को, उस तकलीफ में देश खत्म हो गया। और 1947 तक आते आते इस देश का व्यापार पूरी दुनिया में 2% रह गया, जो 33% था 1835। ये है कहानी इस देश के गरीब होने की, भुखमरी का शिकार होने की। और अंग्रेजों ने जब ये लूटा इस देश को, तो व्यापारी और उद्योगपतियों को तो टैक्स लगा के लूटा, किसानों को लगान लगा के लूटा, लैंड रेवेन्यू, और किसानों पर लगान था 90%। मतलब इसका क्या होता है, अगर किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को देना, ये किसानों के ऊपर था। जो ईमानदारी से दे दें वो बच गए, जो नहीं देंगे अंग्रेज उनको मारेंगे पीटेंगे। कोड़े मारते थे, बंदूक से मारते थे, बंदूक की पीछे जो बट होती है ना उससे किसानों को पीटते थे जो लगान नहीं देते थे, कोड़े मारते थे। और कोड़ों में वो लगाए जाते थे नेल्स माने कील, और 4-5 कोड़े खाते ही किसान जो है ना बेहोश होके गिर पड़ता था, खाल खिंच जाती थी एक कोड़ा मारने। और अंग्रेजों ने अत्याचार ऐसे ऐसे किए, जो किसानों ने लगान नहीं दिया उनकी माताओं बहनों बेटियों को उन्होंने उनके सामने ही बेइज्जत किया, किसानों के सामने उनसे बलात्कार करते थे, अगर लगान नहीं दोगे आप तो, एक अंग्रेज नंगा करता था।
फिर वो कहता है मेरे पास लोहे का एक चिमटा होता था, चिमटा, उस चिमटे में उस माँ के दोनों स्तनों को दबा के मैं तब तक दबाता था जब तक खून ना निकल आए। और जब मैं ये काम कर रहा होता था तो मेरे सारे सैनिक पूरे गांव की माताओं के साथ ये काम कर रहे होते थे। ये उसने अपनी डायरी में लिखा है। नील, और नील का एक सहयोगी था, उसका नाम था कर्नल व्हीलर। ये दोनों अत्याचार के लिए मशहूर थे इस देश में। और ऐसे अत्याचार गांव गांव किए हैं, उसकी कहानी तो मैं सुना नहीं सकता, आप रो देंगे। और ये अत्याचार चलते रहे 250 साल। एक तरफ लूटा, एक तरफ अत्याचार किया। और अत्याचार इतने क्यों किए अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों को एक बात भारतवासियों के बारे में पता चली थी जिसको वो बार बार कोट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो ये कहा करते थे कि भारतवासी मरने से नहीं डरता कभी भी, मर जाएगा उसको बिल्कुल डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पुनर्जन्म है, दोबारा फिर पैदा होगा, इसलिए मरने से तो नहीं डरता। भारतवासी अगर डरता है तो दर्द से डरता है, पीड़ा से डरता है। तो मारो मत इसको, दर्द दो, पीड़ा दो, जितने दे सकते हो उतने। मार दोगे तब तो वो मर ही गया, क्या है फिर? दर्द इतना दो, पीड़ा इतनी दो इसको कि ये तड़पे, ये उनका उद्देश्य था। और इस दर्द और पीड़ा को देने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था बना रखी थी। अंग्रेजों ने पुलिस बनाई हुई थी जिसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट, 1860 में लाया ये कानून उन्होंने। तो पुलिस बनाई उन्होंने इसी दर्द और पीड़ा को देने के लिए, और उस पुलिस की मदद से वो जो दर्द दिया करते थे भारतवासियों को, डंडे से मारना, लाठी से पीटना, बंदूक की बट से मारना, बंदूक के सामने एक चाकू लगा रहता है उससे शरीर को चीरना, जबरदस्ती भारतवासियों के मुंह में गाय का मांस भर देना, मुसलमानों के मुंह में सुअर का मांस भर देना, ये सब पुलिस किया करती थी, इंडियन पुलिस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, उसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून में व्यवस्था ये थी कि हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, माने अत्याचार का अधिकार है, और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है, माने अपने को बचाव का अधिकार नहीं है। ये कानून था, ये कानून 1860 से 1947 तक लगा रहा। टैक्स सिस्टम के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, ये कानून तो थे। इन कानूनों की मदद से जो टैक्स इकट्ठे करने वाले अधिकारी होते थे उनकी फौज खड़ी की उन्होंने, एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाया उन्होंने, जिसको आजकल हम डीएम कहते हैं। ये पहले कलेक्टर था। कलेक्टर का मतलब है जो धन इकट्ठा करके दे। COLLECT कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला, क्या? टैक्स का पैसा अंग्रेजों को देने वाला, वो था कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया कमिश्नर, कमीशन शब्द है ना ये अंग्रेजी का, उसमें से आया कमिश्नर। कमिश्नर जो होते थे ना उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको कमीशन पे रखा जाता था, इसलिए वो थे कमिश्नर। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, अंग्रेजों के दस्तावेजों की कहानी सुना रहा हूं। कमिश्नर क्यों बनाया, कलेक्टर क्यों लाया, कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर। अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से और लंदन पहुंचाए। तो कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर था, फिर उसके नीचे तहसीलदार था, फिर नायब तहसीलदार था, अंतिम व्यक्ति वो होता था जो नीचे से खींच के पैसा ऊपर तक लेके जाता था। और इसमें अंग्रेजों ने कई बार ये तय किया हुआ था कि जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारा। तो भ्रष्टाचार यहां से शुरू हुआ इस देश। तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर की फौज खड़ी की, उसके बाद इस देश में पुलिस की फौज खड़ी की अत्याचार करने के लिए। और इन सब कामों को करने के लिए अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए। और ये सब कानून बना के किया, ध्यान रखना,
क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम कानून पसंद लोग हैं, भले हम लूट करेंगे लेकिन कानून से करेंगे। अगर ऐसे में आपको लूटूं तो आप चिल्लाओगे, लेकिन हैदराबाद में लूटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे? हाँ, मैं जब लूटूंगा कानून से तो पुलिस भी मेरे साथ आएगी आपको लूटने के लिए, तब वो इल्लीगल नहीं होगा, तब सब कुछ लीगल होगा। तो ये चालाकी थी अंग्रेजों की कि लूटो कानून बना के, मारो कानून बना के, पीटो कानून बना के, अत्याचार करो कानून बना के, और सारी दुनिया को कहो कि भारत में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। यही कहा जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ लूटने के हो, अत्याचार करने के हो, उनको मेंटेन करने का मतलब क्या है? उनको मेंटेन करने का माने है लूट और अत्याचार। तो ये सब चला, फिर इस लूट और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष हुआ इस देश में। वो संघर्ष आप सभी जानते हैं, 1857 से शुरू हुआ, 1947 तक चला, और उसमें 7,32,780 क्रांतिवीर शहीद हो गए उस संघर्ष में। सबसे पहले शहीद थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे से शुरुआत हुई। और शुरू कैसे हुआ ये संघर्ष की कहानी? अंग्रेजों ने जब ये अत्याचार किए इस देश पर, तो सबसे बड़ा अत्याचार किया गाय पर। ये जो रॉबर्ट क्लाइव आया ना, इसने देखा कि भारत के किसानों के लिए सबसे उपयोगी अगर कोई चीज है तो वो गाय है, तो गाय को काटो, क्योंकि वो भारत के किसान के लिए उपयोगी है, इसलिए काटो, क्योंकि किसान के लिए कोई चीज उपयोगी रखनी नहीं, क्योंकि किसान को गुलाम बनाना, सीधी सी बात, और गुलाम वही होगा जो कमजोर होगा। तो किसानों को कमजोर करने के लिए गाय को काटना जरूरी है, क्योंकि किसान जो पैदा करता है खेत में वो गाय की मदद से होता है, गोबर गोमूत्र आदि आदि, और उस समय यूरिया डीएपी तो था नहीं, और गोबर गोमूत्र से इतनी पैदावार होती थी कि दक्षिण भारत में 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान होता था गोबर और मूत्र से। आज सारी दुनिया में यूरिया डीएपी डालकर 1 एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान नहीं आता, और अंग्रेजों के पहले इस देश में 56 क्विंटल धान होता था गोबर और मूत्र से। तो अंग्रेजों को लगता था किसान बहुत समृद्धशाली हैं, और ये किसान चूंकि समृद्धशाली थे इसलिए लड़ते थे अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को पसंद नहीं थे भारत के किसान, क्योंकि 1857 की लड़ाई में सबसे बड़ा मोर्चा किसानों ने लिया। 4.5 करोड़ किसान लड़े थे 1857 की लड़ाई, और किसानों ने क्या किया था? अंग्रेजों की गर्दनें काट दी थी तलवार से, हसिया से, खुरपी से, खुरपे से। गुस्सा बहुत था किसानों में, तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये किसान फिर खड़े हो जाएं, फिर मजबूत हो जाएं, फिर हमको मारें पीटें। अंग्रेज 3,64,000 मारे गए थे 1857 की लड़ाई। आपको हैरानी होगी जानकर, कुल जितने अंग्रेज भारत में थे उसका 90% मारे गए थे 1857 की लड़ाई। इतनी बड़ी लड़ाई थी, जितने अंग्रेज कुल थे इस देश में उसके 90% मार डाले किसानों ने। तो डर लग गया अंग्रेजों को किसानों से, तो अंग्रेजों ने कहा किसानों पे ही अत्याचार सबसे ज्यादा करो। तो किसान की गाय दिखी उनको तो गाय काटो, क्योंकि ये किसान को मदद करती है, तो गाय काटने का कतलखाना खोला। अनऑर्गेनाइज रूप से सबसे पहले गाय कटवाई इस देश में रॉबर्ट क्लाइव ने, और ऑर्गेनाइज रूप से सबसे पहला कतलखाना भी अंग्रेजों ने खोला कलकत्ता में मोरी ग्राम में। और उस कतलखाने में अंग्रेजों के जमाने में रोज लगभग 300 गाय कटती थी, फिर उस कतलखाने जैसे कई कतलखाने खोले, 3,000 गाय कटने लगी, फिर 30,000 कटने लगी, फिर 33,000 तक आंकड़ा पहुंचा रोज। अब गाय काटकर किसानों को नुकसान पहुंचाना ये एक उद्देश्य, क्योंकि गाय कटेगी तो बैल नहीं रहेंगे, गोबर नहीं रहेगा, मूत्र नहीं रहेगा, किसान मोहताज हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और दूसरा, अंग्रेजों को गाय का मांस पसंद आ गया तो मांस वो खुद खाते थे, गाय भारत में कटवाते थे, ये खेल चला। और पहला कतलखाना जो अंग्रेजों ने शुरू किया मोरी ग्राम में, वो अभी तक चल रहा है।
बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों के जमाने में उस कत्ल खाने में 300 गाय रोज कटती थी, अब वहां 14,000 गाय रोज कटती है इस समय। कैसे कटती हैं? कानून से कटती हैं जी, कानून से होता है सब काम। ध्यान देना, इस देश में बिना कानून कुछ नहीं होता, सब कुछ कानून से होता है। गाय काटने का कानून है इस देश में, और कानून कैसा विचित्र है कि गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाएगी, आपको कानून है, लेकिन उसकी गर्दन पे आरी चला के उसकी बोटी बोटी बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि ये भी कानून है। दोनों कानून है इस देश में। गाय पर अत्याचार नहीं कर सकते डंडा मार के, उसकी गर्दन काट सकते, ये अंग्रेजों की परिभाषा है अत्याचार की। वो कहते हैं डंडे से मारना अत्याचार है, लेकिन गर्दन से काटना और झटके से काटना वो अत्याचार नहीं है। तो उस कानून से गाय कटती है, अब 14,000 कटती है, पहले 300 रोज कटती थी। फिर अंग्रेजों ने सारे भारत में जहां जहां उनकी फौज रहती थी हर जगह कत्ल खाने खोले। जब अंग्रेज गए भारत से तो 350 कत्ल खाने छोड़ गए इस देश में। अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में 36,000 कत्ल खाने हो चुके हैं कानून से। ध्यान देना, बिना कानून के नहीं है, कानून से। गाय कट रही है धड़ल्ले से, और उसका मांस पहले अंग्रेजों को भेजा जाता था खाने को, अब दुनिया भर के देशों को भेजा जाता है खाने को, अमेरिका यूरोप के देशों में जाता है। तो ये गाय काटना जब अंग्रेजों ने शुरू किया तो इसमें मंगल पांडे को गुस्सा आया, और मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी। वो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन। उसने क्या आदेश दिया था कि गाय को काटा जाए, उसका मांस निकाल के उसमें से तेल निकाला जाए, मांस में से वो तेल कारतूस पर लगाया जाए, और ये कारतूस सभी हिंदू जो सिपाही है उनके मुंह में डाल के खोलने के लिए मजबूर किया जाए, और इनके मुंह से गाय का मांस लगे तो इनका धर्म भ्रष्ट हो। ये था उद्देश्य। तो जब मंगल पांडे को पता चला तो गुस्सा आ गया, तो मार दी गोली मेजर ह्यूसन को। फिर एक और गोली मारी, उसका एक दूसरा अधिकारी मारा गया, और फिर बाद में अंग्रेजों ने पकड़ लिया, पकड़ के उनको फांसी पे चढ़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई मंगल पांडे को, और उस दिन से आग लग गई पूरे देश में। फिर भारतवासियों का गुस्सा इतना ज्यादा हुआ कि हमारी गाय को एक तो अंग्रेज काट रहे हैं, उसको बचाने का काम कोई करे तो अंग्रेज फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो अब इन अंग्रेजों को ही मारो और काटो और इनको भगाओ भारत से। तब देश में संग्राम हुआ, और उस संग्राम में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए, और अंग्रेजों में घबराहट पैदा हो गई, और अंग्रेजों में डर ये हो गया कि अगर ये संग्राम ज्यादा दिन चल गया तो हम तो खत्म, हमारी तो सत्ता गई, साम्राज्य गया। तब अंग्रेजों ने याद किया अपने उन राजाओं को जो उनके मित्र हुआ करते थे, और कहा कि अपनी मदद दो हमें। तो भारत के जो राजा अंग्रेजों के मित्र थे, जैसे जीवाजी राव सिंधिया, जैसे महाराज पटियाला, जैसे महाराजा जींद, जैसे निजाम हैदराबाद, ऐसे बीसियों राजाओं ने अपनी सेना अंग्रेजों को दी, पैसे अंग्रेजों को दिए, और उनकी मदद से फिर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। एक समय तो इतिहास में ऐसा आया कि 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया, 350 जिले आजाद हो गए अंग्रेजों की गुलामी से। 1 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई, सब जगह मारे गए, सब जिंदा ही नहीं बचे। फिर भारत के राजाओं ने जो दोबारा अंग्रेजों को मदद दी, उसमें से उनकी ताकत बढ़ी, और फिर उन्होंने क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। एक ही कहानी सुनाता हूं। बिठूर नाम का एक गांव है कानपुर के पास। भारत की आजादी की लड़ाई की योजना इसी गांव में बनी सबसे पहले, क्योंकि नाना साहब पेशवा उस गांव में रहा करते थे। तो अंग्रेजों ने इस गांव में ऐसा कत्लेआम मचाया कि 3 महीने के बच्चे से लेकर 94 साल के बुजुर्ग तक 24,000 लोगों को एक दिन में काट दिया अंग्रेजों। पूरा बिठूर उन्होंने नरविहीन कर दिया था, खाली हो गया था पूरा बिठूर। और 1 सितंबर 1857 तक जो देश आजाद हो गया
वो फिर अंग्रेजों की गुलामी में फंस गया। और दोबारा जब अंग्रेजों की गुलामी आई तब अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत दोबारा से कभी हमारा विरोध ना करे, इसके लिए अत्याचार और ज्यादा करो। तो पुलिस बनाई, सेना लाई, फिर ये इनकम टैक्स लाया, फिर सेंट्रल एक्साइज लाया, फिर सारे तरह के डिपार्टमेंट खड़े कर दिए इस देश और सब कुछ हमारा छीन के खत्म कर दिया हमको। फिर हमने दोबारा लड़ा अंग्रेजों से, 1857 में एक बार हम परास्त हुए, फिर 1870 में हम संगठित हुए, फिर हमने लड़ाई लड़ी। और 1870 की ये जो लड़ाई हुई इसमें भारत के एक महान सन्यासी का सबसे बड़ा योगदान था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अठारह की क्रांति में नाना साहब पेशवा की कहानी हम जानते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। 1870 तक परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती ने फौज खड़ी कर दी पूरे देश में, आर्य समाज। औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन तो 1875 में हुआ, लेकिन अनौपचारिक रूप से काम इसका 1870 से ही शुरू हो गया। और फिर आर्य समाजियों ने लड़ाई लड़ी और 1894 तक लड़ते रहे अंग्रेजों से, मरते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे। फिर 1894 में लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की और 1920 तक वो लड़ते रहे। लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ऐसे कई क्रांतिकारी थे। फिर 1920 में महात्मा गांधी ने कमान संभाली और गांधी जी ने फिर पूरे देश को खड़ा किया और वो 1947 तक लड़ते रहे। बीच में भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर का भी अध्याय जुड़ा, वो सब आप जानते हो। जब हम 47 में आज़ाद हुए 15 अगस्त को, तो महात्मा गांधी को किसी ने पूछा, और वो कोई नहीं था, बीबीसी का एक रिपोर्टर आया गांधी जी से इंटरव्यू लेने, और उसने पूछा, बापू अब तो देश आज़ाद हो गया, अब आप किससे लड़ोगे, अंग्रेज तो चले जाएंगे, अब आपकी लड़ाई किससे होगी। तो गांधी जी ने कहा, अभी देश आजाद नहीं हुआ, अभी तो खाली अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं, अभी तो अंग्रेजों की बनाई गई जो व्यवस्था है, जो कानून है, जो नियम है, इनको हमें बदलना है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो उसको समझ में नहीं आया, बीबीसी के रिपोर्टर को। तो गांधी जी ने उसको और हल्का करके समझाया कि देखो, अगर अंग्रेज चाहें तो भारत में रह सकते हैं मेहमान बनकर, हमारे मालिक बनकर हम नहीं रहने देंगे उनको, लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ ये जो तंत्र है, ये जो व्यवस्था है, जिसको गांधी जी कहते थे अंग्रेजियत, गांधी जी ने अंग्रेजियत को परिभाषित किया, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों का तंत्र, ये सारा अंग्रेजियत। तो गांधी जी ने कहा, इस अंग्रेजियत से अभी लड़ना है, लड़ाई तो अभी बाकी है, शुरू होगी अब। और गांधी जी जैसे जितने भी उस जमाने में जीवित क्रांतिकारी थे, सबका उद्देश्य था अंग्रेजियत से लड़ना है, इसको हटाना है। दुर्भाग्य क्या हुआ इस देश का, आजादी आई और गांधी जी की हत्या हो गई। जो अंग्रेजियत से लड़ने का सबसे बड़ा संकल्प लिए हुए क्रांतिवीर थे महात्मा गांधी, उनको मार डाला। फिर क्या हुआ, अंग्रेजियत की लड़ाई छूट गई, फिर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई, और सत्ता की लड़ाई में देश के टुकड़े हुए। पाकिस्तान तो सत्ता की लड़ाई में बना, कोई सिद्धांत से नहीं बना पाकिस्तान। अब एक देश में दो प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते थे, तो दोनों ने अलग अलग देश बना लिए प्रधानमंत्री होने के लिए। यह था लड़ाई, पाकिस्तान का बंटवारा। और फिर लड़ाई सत्ता की होती चली गई, व्यवस्था की नहीं रही। धीरे धीरे भारत के लोग भूलते चले गए कि हमें अंग्रेजियत से लड़ना है। हम फिर सत्ता में डूबते चले गए और आज हम 63 साल के बाद यहाँ खड़े हैं। तो दुख से ये कहना पड़ता है कि वो सब कानून अभी भी इस देश पर लदे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों ने बनाए थे और लगाए थे। टैक्स का वो सिस्टम जो अंग्रेजों ने लूट के लिए इस देश में बनाया और व्यापारियों को बेईमान बनाने के लिए, वो टैक्स का सिस्टम अभी भी लदा हुआ है इस देश पर। बस अंतर इतना है, अंग्रेजों के जमाने में 23 तरह के टैक्स लगते थे, अब आजादी के 63 साल के बाद 64 तरह के टैक्स लगते हैं इस देश में।
अंग्रेजों ने जो पुलिस का कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट, वो आज भी लदा हुआ है इस देश पर। अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए, 34,735, सब लगे हुए हैं, एक भी कानून नहीं हटाया इस देश की सरकारों ने। अंग्रेजों ने किसानों से जमीन छीनने का एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट डलहौजी ने, वो अभी भी लगा हुआ है इस देश पर। मतलब ये कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, स्वतंत्रता नहीं आई। स्वतंत्रता कोई बड़ी चीज होती है, सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल छोटी चीज होती है। सत्ता आई माउंटबेटन के हाथ से नेहरू जी के हाथ में, माने गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को देश सौंप दिया, यही मतलब। स्वतंत्रता तो नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र, स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। जब तक हम अपना तंत्र नहीं बनाए कैसे स्वतंत्र हो, तंत्र तो अंग्रेजों का ही चल रहा है। अब अंग्रेजों का तंत्र चल रहा है तो लूट वैसे ही चल रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा। अब 63 साल में ये जो काले अंग्रेज बैठ गए इस देश में, उन्होंने टैक्स लगा लगा के आपसे 258 लाख करोड़ लूट लिया है। आप टैक्स भरते हैं, मैं टैक्स भरता हूं, डायरेक्ट टैक्स 2 हैं, इनडायरेक्ट टैक्स 62 हैं। सारे टैक्स में कुल मिलाकर आप 100 रुपए में 70 रुपए दे देते हैं, माने 100 रुपए की आमदनी में 70 रुपए टैक्स में चला जाता है। ये टैक्स इकट्ठा होके सरकार के हाथ में आता है। एक साल का कुल टैक्स 20 लाख करोड़ है आज, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नगर पालिका का। कुल 20 लाख करोड़ के टैक्स में 17 लाख करोड़ हर साल लूट जाता है। ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। राजीव गांधी कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी से 1 रुपए टैक्स लेता हूं और बदले में वही 1 रुपया उस गरीब आदमी को देता हूं, तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। ये आज की कहानी है। माने 20 लाख करोड़ का हम टैक्स भरते हैं, 17 लाख करोड़ लूट जाता है। अब ये लूटकर कहां जाता है? पहले अंग्रेज टैक्स का पैसा लूट के लंदन ले जाते थे, अब ये काले अंग्रेज लूट का पैसा लेके स्विट्जरलैंड चले जाते। अब समझ में आया स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश क्यों है, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा लूट लूट कर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अगर जमा होगा तो वो तो अमीर होने ही वाले हैं। और आपको मालूम है स्विट्जरलैंड की बैंकों में कुछ नियम है, जैसे हमारे नेता पैसा वहां जमा करते हैं, वो कोई भी ब्याज नहीं देते उस पैसे पे, और हमारे पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दुनिया भर को कर्ज में देती है और उससे ब्याज लेती है, उससे उनकी आमदनी है। दूसरा, हमारे नेता जो पैसा वहां जमा करते हैं, अगर कोई मर गया तो वो बैंक उस पैसे को हड़प लेती है, नॉमिनी को वो नहीं मानते। और तीसरा, हमारे नेता कितना भी पैसा लेके जाएं स्विट्जरलैंड की बैंकों में, कभी मना नहीं करते जमा करने को, रात के 2 बजे भी जमा कर लेते, कभी भी चले जाओ, 24 घंटे काम करती हैं बैंकें। तो ये नेता लूट रहे हैं, पैसे वहां रख रहे हैं क्योंकि बैंकें हैं। और अभी पता चला कि स्विट्जरलैंड दुनिया में एक देश है जहां काला धन जमा होता है, ऐसे 70 देश और हैं दुनिया में जहां काला धन जमा होता है। पनामा नाम का एक देश है, पनामा। ट्रिनिडॉड नाम का एक देश है, टोबैगो नाम का एक देश है, ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जहां काला धन ही जमा होता है। और नेता टैक्स का जितना पैसा लूटते हैं वो काला धन ही है। अब वो जाके जमा हो रहा है, हर साल 17 लाख करोड़ ये लूट रहे हैं। अब तक हमने जो हिसाब निकाला 63 साल आजादी के बाद का, उसमें नेताओं ने 258 लाख करोड़ रुपए लूट लिया है और विदेशी बैंकों में जमा कर लिया। और जिन बैंकों में ये पैसा जमा है उन्होंने कंफर्म किया है कि इतनी रकम है हमारे पास, भारत की इतनी रकम है। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने स्वीकार किया है कि उनके पास भारत का 72 लाख करोड़ रुपए है।
पनामा देश ने स्वीकार किया, ट्रिनिडॉड ने स्वीकार किया, टोबैगो ने स्वीकार किया, और इन सब देशों की रकम जोड़ी है तो 258 लाख करोड़ है। अब कहानी समझ में आती है कि आजादी के 63 साल में देश के विकास के लिए जितना खर्च हुआ वो तो लुटकर विदेशों में जमा हो गया, इसलिए विकास नहीं हुआ इस देश का, इसलिए गरीबी है इस देश, इसलिए भुखमरी है इस देश। अंग्रेजों के जमाने में गरीबी भुखमरी आई क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा। अब आजादी के बाद गरीबी भुखमरी आई क्योंकि काले अंग्रेज लूट रहे हैं। और कैसे कैसे लुटेरे हैं हमारे देश में। एक मधु कोड़ा नाम का व्यक्ति है, झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना और 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। पकड़ा गया तो 5,600 करोड़ लूटा। अब मैं ये सोचकर परेशान हूं कि कोई व्यक्ति 2 साल में अगर 5,600 करोड़ भारत के सबसे गरीब राज्य से लूट सकता है, तो जो मुख्यमंत्री 15-15 साल रहे सबसे अमीर राज्यों में, उन्होंने कितना लूटा हो। बस अंतर इतना है कि मधु कोड़ा का पता चल गया है, बाकी का थोड़े दिन में पता चलेगा। और मधु कोड़ा तो मुख्यमंत्री स्तर का नेता है, इसके ऊपर के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, आदि आदि, इनका अंदाजा लगाइए आप। और फिर इसके नीचे अधिकारी हैं। मैं एक अधिकारी का बताता हूं, उत्तर प्रदेश में अभी एक अधिकारी पकड़ा गया, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह, आईएएस अधिकारी रहा। उसने जो लूट मचाई उत्तर प्रदेश में, उसका अभी सारा मामला खुला है। तो उसके घर से 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली और उस अधिकारी की 40 साल की जो नौकरी थी उसकी तनख्वाह 77 लाख रुपए बैठती है और 480 करोड़ मिला। और जब इस अधिकारी को बहुत प्रेशराइज किया गया पूछताछ में, तो उसने कहा कि ऐसे मेरे 19 घर अभी और हैं। तो मधु कोड़ा एक स्तर का है लूटने वाला, अखंड प्रताप सिंह दूसरे स्तर का है लूटने वाला, और एक तीसरे स्तर पर लूटने वाले हैं। एक नीले रंग की कार खड़ी है 518 नंबर की, गलत रास्ते में है, कृपया निकाल दीजिए ताकि कोई आसानी से निकल जाए। नीले रंग की कार 518 नंबर की, जिसकी भी है प्लीज चले जाइए। तो मधु कोड़ा का एक स्तर है लूटने का, अखंड प्रताप सिंह का दूसरा। फिर सरकार कहती है कि ये लूट में तो सब शामिल हैं, 3.5 करोड़ अधिकारी कर्मचारी सब, ऊपर से नीचे तक। आप अगर किसी बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चले जाएं, बिना रिश्वत प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और घर में कोई मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र बिना रिश्वत नहीं बनेगा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम आपके रिश्वत से ही होते हैं, तो लूटने में कर्मचारी भी पीछे नहीं है। हर जगह लूट है। और ये क्यों लूट है? क्योंकि ये जो कर्मचारियों का सिस्टम अंग्रेजों ने खड़ा किया था, वो लूटने के लिए ही तो खड़ा किया था। वो लूटेगा ही और क्या करेगा। कलेक्टर बनाया उन्होंने लूटने के लिए, डिप्टी कलेक्टर बनाया लूटने के लिए, कमिश्नर बनाया लूटने के लिए। तो आज भी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर लूटेंगे ही और क्या करेंगे। और जब लूटेगा देश तो गरीबी ही आएगी, भुखमरी ही आएगी। आप तो सोचो ना, 20 लाख करोड़ का 17 लाख करोड़ लूट जाए किसी देश का, वो देश तो कभी भी पनप नहीं सकता, अमीर हो नहीं सकता। ये है हमारे देश का हाल। अब भूतकाल में लुटे हम, वर्तमान में लुट रहे हैं, भविष्य क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। ये लूट अगर ऐसे ही चली तो थोड़े दिन में तो कुछ रहेगा नहीं। अब हमारे सामने दो ही विकल्प है। एक विकल्प है कि जैसे अंग्रेजों की व्यवस्था को तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने काम किया, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए कुछ नए क्रांतिकारियों को पैदा होना पड़ेगा। जैसे
जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, नाना साहब पेशवा, ऐसे 7,32,780 क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के लूट को बंद करने का ही प्रयास किया था और उसमें वो कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए और लगा कि लूट का एक अध्याय बंद हुआ, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि फिर दोबारा लुटेरे पैदा हो गए इस देश में। मुझे तो कई बार लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा ही मधुकोड़ा में प्रवेश कर गई और मधुकोड़ा ही क्यों, सभी लुटेरे नेताओं में प्रवेश कर गई वही आत्मा अंग्रेजों की, इसलिए ये अपने देश को लूट रहे हैं और बेशर्मी से लूट रहे हैं। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। हाँ, मैंने इनको पार्टी कहना बंद कर दिया, लुटेरों के गिरोह हैं ये, पार्टी नहीं है अब। और लूट में नेताजी लगे हैं, उनकी पत्नी लगी है, फिर उनका बेटा लगा है, बेटे की भी पत्नी लगी है, फिर उनका चाचा, उनका ताऊ, उनका भतीजा, उनका मामा, उनका साला, सभी तो लूटने में लगे हैं। बताओ कौन सा खानदान है जो नहीं लूट रहा है? खानदान के खानदान लूट में लगे हुए हैं, यही देख लो आंध्र प्रदेश में। कल तक आंध्र प्रदेश के जिन नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी 20 साल पहले, आज उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में कहां से आ गई, लूट के आई। और आंध्र प्रदेश क्या, महाराष्ट्र में देख लो, कर्नाटक में, सब जगह यही हाल है। और ये जो राजनीति है, ये चूंकि लुटेरों का गिरोह बन गई है, इसलिए हर लूटखोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आसान काम और क्या मिलेगा। चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो मेहनत लगती है, यहां राजनीति में बिना मेहनत के लूटने को मिलता है। ना कोई मेहनत है, ना कोई मशक्कत है, ना कोई टैक्स देना है और ना किसी से कोई जवाबदेही है। लूटो लूटो, घर भरो, विदेशी बैंकों के खाते भरो, ये है हमारे देश में। तो मैंने कहा कि अभी एक रास्ता तो ये है कि हम सब फिर से महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का अवतार ग्रहण करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की व्यवस्था से बाहर करें। ये एक रास्ता है। एक और रास्ता है दूसरा, कि हम सब कुछ ना करें, खामोश बैठे रहें। एक दूसरा रास्ता और है, खामोश बैठे रहें और कहें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो। ये दूसरा रास्ता है। हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो, देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते और इसी को धर्म कहते, इसी को धर्म कहते। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़, और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या, इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें उसका। और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वाह वाह। मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते हैं और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें,
जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह, क्योंकि हाय सीते हे सीते हाय सीते हे सीते एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई, ये कहानी नहीं सुनाते, क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? हो राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, और ये सारा वर्णन एयर कंडीशनड मंच पर बैठ कर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर, एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए, समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे ही कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ ना लड़े, गरीबी के खिलाफ ना लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ ना लड़े, अत्याचार के खिलाफ ना लड़े। वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में, और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा कृष्ण की कथा। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता, मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ,
मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें, तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोलना कैसे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का मजमा लगाने का तरीका है, मैं ऐसा डमरू बजाता हूँ कि सब इकट्ठे होते हैं और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिल के लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, ऐसे खुले ऑफर हैं मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो, क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा है। पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है, बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं, बहुत आसान काम है ये तो। थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मरने ही वाला हूं, तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है, तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा, कुछ करके मरो ना। मरेंगे ये सब भी, साधु संत पाखंडी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी। डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते। ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो काला धन है ना, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है। सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डायबिटीज के लिए शिकार है, तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाऊं, वो एक रास्ता है। एक रास्ता भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का भी है। मौत तो दोनों में ही आने वाली है, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह वाला, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में। और करना क्या है, करना तो एक ही काम है, इस लूट के तंत्र को बदलना है जो अंग्रेजों ने कायम किया और आज तक चला आ रहा है। और ये तंत्र जब तक हम बदलेंगे नहीं, एक भी गरीबी, भुखमरी, बेकारी की समस्या का समाधान होगा नहीं। तो अब हमने क्या करना है, हमारे सपने क्या हैं इस भारत के बारे में, अब मैं व्याख्यान के अंतिम भाग में हूं, क्या सपने हैं? पहला सपना है गरीबी बेरोजगारी दोनों खत्म हो इस देश से, क्योंकि ये मेरे अकेले का सपना नहीं है, भगत सिंह का भी यही था, चंद्रशेखर का यही था, सुभाष चंद्र बोस का यही था, इन सारे क्रांतिकारियों ने जब लड़ाई लड़ी है ना, तो अपने अपने समय में बहुत सारे लेख लिखे हैं, भाषण दिए, उन भाषणों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ आजकल, लेखों को इकट्ठा कर रहा हूँ। कोई भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि अंग्रेजों को भगाना आखिरी उद्देश्य है, वो कहते हैं अंग्रेजों को भगाना तो पहला उद्देश्य है, आखिरी उद्देश्य है भारत की गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, बेरोजगारी मिटानी है, भारत में समृद्धि लानी है, सब क्रांतिकारी यही कहते हैं, उनका भी यही सपना है, हमारा भी यही सपना है कि भारत की गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर हो। अब इसको दूर करने के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? तो एक तो रास्ता है कि और ज़्यादा टैक्स लगाओ, पैसे लाओ, ज़्यादा टैक्स लगा के गरीबी ही आती है, समृद्धि नहीं आती। दुनिया में सबसे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा कि जिस राज्य की प्रजा ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरती है, उस राज्य के लोग भिखारी हो जाते हैं। इसलिए टैक्स तो कम से कम ही होना चाहिए। तो ज्यादा टैक्स लगा के पैसे लाना ये तो मूर्खता का काम है, तो फिर पैसे कहां से लाएं विकास करने के लिए? तो हमने लक्ष्य तय किया है कि नेताओं ने जो लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का। और ये लूट का धन 258 लाख करोड़ है, कोई मामूली रकम नहीं है।
इसको वापस ला के विकास करना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा, इसको वापस लाने के चार रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में ये धन जमा है उन बैंकों में ये धन निजी संपत्ति के रूप में जमा है, व्यक्तिगत संपत्ति, किसी नेता की किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति। अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता, ये वापस आएगा भारत में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है, किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश में जमा होती है वो जिस देश की होती है, दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती। तो अब तक जो जमा है वो निजी संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये वापस आएगा। आप बोलेंगे ये कौन करेगा? इस काम को करने के लिए दो संस्थाएं हमारे पास हैं, एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था, यूरिया घोटाला हुआ जब नरसिम्हा राव के जमाने में, तो 133 करोड़ रुपए चला गया था देश के बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया और स्विस बैंक से वो 133 करोड़ रुपए वापस आ गया। और पता है वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेजा था वो मैं भूला नहीं कभी भी। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया है अभी 6 महीने पहले, ये जो भारत स्वाभिमान नाम की संस्था है ना, इसकी तरफ से। और मुकदमा हमारा एक ही है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र की संपत्ति घोषित किया था तो चारा घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, बोफोर्स घोटाले का भी राष्ट्र की संपत्ति है, सभी घोटालों का पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। और इस तर्क से अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाए तो 258 लाख करोड़ को राष्ट्र की संपत्ति वो घोषित कर सकता है, और ये घोषणा होते ही हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं फैसले को लेकर, और आईसीजे ऑर्डर करे तो दुनिया के 70 देशों की बैंकों को पैसा वो वापस करना पड़ेगा भारत को। इस उम्मीद में मुकदमा लगाया है हमने, 6 महीने हो गए, 6 महीने तक ये मुकदमा स्वीकार नहीं हुआ, बहस होती रही कोर्ट में, और अब स्वीकार हो गया है, कोर्ट ने तैयार मान लिया कि अब यह मुकदमा सुना जाएगा। 6 महीने लगे और कोर्ट ने अपने को कन्विंस करने के लिए सब तरफ से जानकारी मंगाई, हमने कहा उतने पे विश्वास नहीं किया कोर्ट ने, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था को कॉल किया कोर्ट ने, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने आके सारे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए कि भारत का कितना ब्लैक मनी। फिर और एक संस्था को कॉल किया कोर्ट ने, उनका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, उनको बुलाया, उन्होंने दस्तावेज दिए। फिर भारत के तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया कोर्ट ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, पूछा कि आपको मालूम है विदेशी बैंकों में खाते हैं, उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। फिर सीबीआई वालों को बुलाया, जब सब तरफ से कोर्ट कन्विंस हुआ तो कोर्ट ने मुकदमा स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को और सरकार को पूछा है कि ये 258 लाख करोड़ किस किस का है, जल्दी से कोर्ट को बताया जाए। अब सरकार की हालत थोड़ी खराब है क्योंकि जिनका पैसा है वो ही सरकार चला रहे, तो सरकार ने कोर्ट में टालम टोल करना शुरू किया है। ये टालम टोल वो थोड़े दिन करने वाले हैं, ये हमें मालूम है, क्योंकि वो बताएंगे नहीं कभी भी। तो हम सुप्रीम कोर्ट को एक दिन एक बात कहेंगे कि टालम टोल 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी? फिर हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे आप तो एक्स पार्टी जजमेंट दे दो, और कोर्ट को ताकत है वो करने की। और हम कोर्ट को कहेंगे ये नहीं बता रहे किसका पैसा है, आप तो ये कह दो जिसका भी पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बात खत्म हो गई। और उम्मीद है कि कोर्ट ये फैसला देगा, और ये फैसला हुआ तो 258 लाख करोड़ वापस आएगा। दूसरा रास्ता है अपने पास, वो ये कि हम संसद में अगले 4 सालों में एक प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं,
और वो प्रस्ताव ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बस। किसी का नाम नहीं लेना, किसी की बात नहीं कहना। 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन बाहर गया है भारत से हवाला के थ्रू, क्योंकि सब हवाला से ही जाता है, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद प्रस्ताव को पास करे। अब इस प्रस्ताव को रखेगा तो कोई एक सांसद, और वो हमें मिल ही जाएगा अगले 4 साल में, कोई तो माई का लाल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि सब मर गए। और प्रस्ताव जब रखा जाएगा तब बहस होगी। बहस वाले दिन हम देखेंगे कि कौन कौन इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, खाते उसी के हैं, पैसा उसी का है, और सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन है संसद में। आप तो अपने सांसद पे नजर रखना बस, कि आपका सांसद क्या कह रहा है। हर एक इलाके में मैं घूम घूम के लोगों से एक ही बात कह रहा हूं कि जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा, टीवी पर बहस आएगी, क्योंकि अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होने लगा है, आप अपने सांसद पे नजर रखना वो क्या कर रहा है, आपको पता चल जाएगा वो बेईमान है ईमानदार है। अब संसद में या तो प्रस्ताव गिरेगा या पास होगा। गिरेगा तो विरोध करने वाले सांसद ज्यादा चाहिए, तो सारा देश देखेगा बेईमान और हरामी कौन कौन है इस देश में। और या सांसद डर के मारे विरोध नहीं करेंगे तो झटके में प्रस्ताव पास हो जाएगा, और प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बनेगा। अपने दोनों हाथ में लड्डू है, हमें कुछ खोना ही नहीं है, जो है पाना है। तो या तो बेईमानों को एक्सपोज करेंगे पूरे देश में और घूम घूम कर कहेंगे कि ऐसे हरामी और बेईमानों को दोबारा चुनकर मत भेजो जो विदेशी पैसे को वापस लाना ही नहीं चाहते, जो देश को अमीर होने ही नहीं देना चाहते, जो गरीबी मिटने ही नहीं देना चाहते इस देश की। तो या तो उनके खिलाफ लड़ाई शुरू होगी, जंग, और वो आखिरी जंग होगी, या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। और अगर प्रस्ताव पास हो गया तो कानून बन गया तो पैसा आ जाएगा 258 लाख करोड़। तीसरा और रास्ता है अपने पास, हम इस पूरे 258 लाख करोड़ का ब्यौरा लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं और दुनिया के 70 देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगवा सकते हैं। अमेरिका ने अभी ऐसा किया। आपको मालूम है अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, वहां के भी लूटखोर नेता हैं, उन्होंने भी स्विस बैंक में खाते खोल रखे थे। बराक ओबामा ने अभी एक झटके में वो सब ठीक किया है। उसने कानून बनवाया पहले अपने देश में और वो कानून से पैसा ले आया, स्विस बैंक से 780 अरब डॉलर लाया निकाल के बराक ओबामा, और उसने अपनी इंडस्ट्री में लगा दिया वो पैसा, और अमेरिका के 19,780 खाते बंद कराए उसने। तो ये बराक ओबामा अगर कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। बस अंतर इतना है कि अमेरिका को बराक ओबामा मिल गया है, भारत को एक बराक ओबामा की तलाश है। अगले 4-5 साल में मिलेगा, कोई ना कोई तो निकलेगा। भारत माता वीर विहीन नहीं है, निपुती नहीं है, बांझ नहीं है। जब जरूरत पड़ती है इस माता ने बड़े बड़े लाल पैदा किए हैं देश की समस्याओं का समाधान कर। आगे भी होगा इसका विश्वास है, और ये काम हम बराक ओबामा की तरफ से भी कर सकते। बराक ओबामा ने अभी एक बहुत रोचक बात कही। हमारे प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका, अभी मालूम है मनमोहन सिंह अमेरिका गए, बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को ऑफर किया, देखो मैंने स्विस बैंक से पैसे निकाल लिए, आपको निकलवाने, ऐसे ही बोला उसने, आपको निकलवाने, मैं मदद करता हूं आपकी। तो मनमोहन सिंह की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, ना हां कहा ना ना कहा। फिर उसने कहा मैं भारत की मदद करना चाहता हूं सीरियसली इस काम में, और मैंने जैसे पैसा निकाला है स्विस बैंकों से मैं वो बताना चाहता हूं, आप ऐसे निकालो। अब मनमोहन सिंह चुपचाप लौट आए, क्योंकि उनको बोलते ही नहीं बनता, क्योंकि सरकार चलाने वालों का पैसा है, बात ही नहीं करते वो। तो बराक ओबामा तैयार है, वो कहता है मैं मदद करूंगा भारत की। क्यों? वो कहता है भारत की मदद इसलिए करनी है, भारत महान देश है, ये वो बोलता है। और भारत की महानता जब वो गिनाता है ना, तो
तो सबसे पहले कहता भारत बजरंगबली का देश है, हनुमान जी का देश, और वो हनुमान जी का भगत है बराक ओबामा। उसने मंदिर बनाया मालूम है, आधा ईसाई आधा मुसलमान बराक ओबामा हनुमान जी की पूजा कर रहा। जब वो चुनाव लड़ रहा था तो उसने बजरंगबली का मंदिर बनाया, जयपुर से मूर्ति मंगाई थी, स्थापित कराई। और पहला राष्ट्रपति है अमेरिका में जिसने दिवाली मनाई अभी। हाँ, दिवाली को हनुमान जी की पूजा होती है ना, उसने की वहां, पंडित जी को बुलाया उसने, और वो कहता भारत महान देश है क्योंकि महात्मा गांधी का देश है। वो महात्मा गांधी को गुरु मानता है अपना, उसके घर में एक ही फोटो है वो महात्मा गांधी की। वो कहता इसलिए मैं भारत की मदद करना चाहता हूं। अब भारत सरकार ही तैयार नहीं है मदद लेने के लिए, तो ये अपने पास और एक रास्ता है। तो अपने पास चार रास्ते हैं, एक चौथा रास्ता है कि हम खुद चाहें तो स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवल फोर्स है, छोटा सा देश है। हाँ, जनसंख्या भी इतनी कम है जितनी तो हमारे एक जिले में है, उतनी तो स्विट्जरलैंड पूरे देश में नहीं। मैं तो मजाक में कभी कभी ये कहता हूं कि सारे भारतवासी, माफ करना ये कहने के लिए, इकट्ठे होके पेशाब कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। इतना पिद्दी सा देश है, 2 घंटे कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। पुलिस उनके पास है नहीं, आर्मी है नहीं, थोड़ी दादागिरी करो वो तो दे देंगे। अमेरिका ने अभी कहा था उनको कि इराक का ध्यान है, अफगानिस्तान का ध्यान है, वो आपका भी हाल हो सकता है। तुरंत उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए, 1 मिनट नहीं लगा। तो अपने पास चार रास्ते हैं, पहले तीनों रास्तों का उपयोग करेंगे, कानून से वो पैसा लाएंगे, क्योंकि गलत कानून के कारण वो पैसा गया है तो कानून सही करके उसको वापस लाएंगे, और भविष्य में ये पैसा बाहर ना जाए इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे। पहला कानून बनाएंगे, पैसा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है तो 258 लाख करोड़ आएगा। दूसरा ही कानून बनाना है कि भारत में अगर कोई भ्रष्टाचार करे और पकड़ा जाए तो 3 महीने में उसको फांसी की सजा, बहस नहीं करनी है अदालत। और तीसरा काम हमें क्या करना है, ये पैसे लाने हैं विदेशों से 258 लाख करोड़, तो इसमें 50 लाख करोड़ खर्च करना है तुरंत गांव के विकास के लिए। भारत के गांव में उद्योग नहीं है, गांव में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव में शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, गांव में पैसा लगाना है। और हमने हिसाब निकाला 50 लाख करोड़ भारत के 6,38,365 गांवों में इन्वेस्ट करना है। कैसे, एक तो उद्योगों में 100 उद्योग हर गांव में हम लगा सकते हैं। कपास होती है 4 लाख गांव में, हर गांव में कपास होती है तो खादी बनाने का काम हो सकता है, सूत बना सकते हैं, चरखा चला सकते हैं, खादी बन सकता है। 15 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। लगभग भारत के 4 लाख गांवों में गन्ना होता है, जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बना सकते हैं, चीनी तो नहीं बनवानी, गुड़ बनवाना है, और गुड़ की डिमांड पूरी दुनिया में है। आपको हैरानी होगी, दुनिया के देश 150 रुपए किलो गुड़ खरीदने को तैयार हैं, मिलता नहीं किसी को। आप पूछोगे क्यों, चीनी से ज्यादा खतरनाक पूरी दुनिया में कोई वस्तु नहीं बनती, चीनी माने जहर, दुनिया को समझ में आ गया। डायबिटीज इतनी, और डायबिटीज के अलावा जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने चीनी के। चीनी के बारे में एक ही जानकारी देता हूं, आप आधा किलो खाना खाओ और 50 ग्राम चीनी खा लो पीछे से, 50 ग्राम तो छोड़ दो, 1 चम्मच खा लो, आधा किलो खाने पर 1 चम्मच चीनी खा लो तो पूरा आधा किलो खाना पच जाएगा, उसकी पूरी ऊर्जा 1 चम्मच चीनी को नहीं पचा पाती, चीनी डाइजेस्ट नहीं होती कभी भी। क्यों, उसमें कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो डाइजेस्ट हो, ऑर्गेनिक उसमें कुछ भी नहीं है, सब इनऑर्गेनिक है। और चीनी का अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र ये है कि ना उसमें कोई विटामिन है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना उसमें कोई कैल्शियम आयरन आदि है, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो जहर का पुलिंदा है।
हम चाहते हैं कि चीनी बंदी हो जाए तो अच्छी है, वैसे भी 50 रुपए किलो हो गई है, फालतू में क्यों दिमाग खराब करें, हम तो गुड़ बनवाएंगे। और सारी दुनिया गुड़ मांग रही है और ऑर्गेनिक गुड़ तो सब मांग रहे हैं, गन्ना पैदा करें बिना यूरिया बिना डीएपी, उस गन्ने से गुड़ बनाए। अभी ग्राहक तैयार हैं 150 रुपए किलो खरीदने के लिए सारी दुनिया में। ये जितनी बेकरीज चलती है ना यूरोप में, वो सब गुड़ चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि गुड़ से जब हम वो बनाते हैं उनके स्वीट डिश, वो ज्यादा लंबे समय टिकते हैं। चीनी वालों को टिकाने के लिए बहुत सारे केमिकल मिलाने पड़ते हैं। गुड़ जो है ना नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो वो गुड़ मांग रहे हैं। हम 400,000 गांव में गुड़ बनवा सकते हैं, खुद भी खाएंगे दुनिया को खिलाएंगे, और इस काम में कम से कम 1.5-2 करोड़ किसानों को काम मिलेगा। फिर भारत के 2.5 लाख गांव हैं, वहां गेहूं पैदा होता है, गेहूं का आटा सब खाते हैं, गेहूं कोई नहीं खाता, तो गेहूं का आटा गांव में बनेगा, शहर में बिकेगा। गेहूं 11 रुपए किलो है, आटा 26 रुपए किलो बिकेगा, तो गेहूं का आटा बिकवाएंगे, गांव गांव बनवाएंगे, चक्की चलवाएंगे, चक्की में आटा बनेगा। ये जो धीमे धीमे चक्की चला के आटा बनता है ना, इसी की पौष्टिकता है। तेजी से जो मशीन में आटा पिसता है वो कुछ भी दम वाला नहीं है, इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमे धीमे। और पुराने जमाने में हमारे घरों में वही आटा खाया जाता था, हम बीमार नहीं पड़े जल्दी। अब चक्की का आटा है, गड़बड़ी यहां पर है। और ऐसे ही भारत के 2.5-3 लाख गांव में आम पैदा होता है, आम का अचार, आम का मुरब्बा, आम का पापड़, आम की बड़ी, सब कुछ बन के बाजार में बिकेगा। 1 लाख गांव में आलू है, आलू है तो आलू का चिप्स गांव गांव बनवा सकते हैं, चिप्स 480 रुपए किलो बिकता, आलू 10 रुपए किलो बिकता है। 1 लाख गांव में टमाटर होता है, टमाटर का सॉस गांव गांव बन सकता है, सॉस 200 रुपए किलो बिकता है, टमाटर 10 रुपए किलो। तो किसानों को हम समझाएंगे, वैल्यू एडिशन करो, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मत बेचो, बस इतनी सी बात समझानी है किसान। कपास मत बेचो, कपास से सूत बना के कपड़ा बना के बेचो, कपास बिक जाता 12 रुपए किलो और वही कपड़ा बिकता है 25 से 30 और 60-70 रुपए किलो तक। और वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ट्रेनिंग देनी है, बस और क्या करना। और वो ट्रेनिंग देने का काम हमारे योग शिक्षक करेंगे। अभी हमारे 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो गांव गांव में योग और प्राणायाम सिखाते हैं। थोड़े दिन में ये सारे योग शिक्षक वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देने लगेंगे। हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो गांव गांव ट्रेनिंग देंगे और गांव को खड़ा करेंगे। और इस पूरे गांव में 100-100 उद्योग के लिए 10 लाख करोड़ खर्च करना है बस। और हर गांव में बिजली देनी है तो 4 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव में सड़क देनी है तो 7 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव में स्कूल कॉलेज देने हैं तो 8 लाख करोड़ खर्च होगा, हर खेत को पानी देना है किसान के लिए तो 10 लाख करोड़ खर्च होगा। फिर सारा खर्चा मिला दें तो 58 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं होता और सारे गाँव खड़े हो जाएंगे। अब 58 लाख करोड़ खर्च करके गाँव खड़े हो गए तो गरीबी भुखमरी बेकारी खत्म, क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाब निकाला, 6,38,365 गांव में 100-100 उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड़ लोगों को काम मिल जाएगा, तो सारी बेकारी खत्म, बेकारी खत्म तो गरीबी खत्म। फिर क्या करें, 200 लाख करोड़ बच गया, उसको बैंक में जमा करेंगे फिक्स डिपॉजिट में भारत माता के नाम से, तो उसका हर साल का ब्याज आएगा वो 20 लाख करोड़ है। और साल का ब्याज अगर 20 लाख करोड़ आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरत ही नहीं है इस देश में, सारे टैक्स खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो इनकम तो 50 लाख करोड़ एक झटके में बढ़ जाएगी देश की। फिर हम सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे, सेंट्रल एक्साइज खत्म करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग। हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे, उत्पादन कोई क्यों छुपाएगा। फिर सीएसटी खत्म करेंगे, फिर वैल्यू एडिड टैक्स खत्म करेंगे, सारे टैक्स खत्म करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और ईमानदारी अपने आप आ जाएगी इस। और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये टैक्स सिस्टम खत्म होते ही व्यापारी और उद्योगपतियों में थोड़ी ताकत आएगी, थोड़ी हिम्मत आएगी और सरकार के गलत कामों का विरोध करने का वो शुरुआत करेंगे। अभी डर के मारे चुप बैठे।
तो टैक्स सिस्टम खत्म करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, पैसे बाजार में ज्यादा घूमेंगे, हमें फिर विदेशों से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं, हम देश का विकास देश के पैसे से ही करेंगे। तो ये योजना है अपनी। और टैक्स खत्म हुए तो महंगाई सबसे पहले खत्म, हर चीज सस्ती होगी। मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताता हूं। सारे टैक्स अगर हम खत्म कर दें तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी मिलता है 54 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो 1 लीटर डीजल मिलेगा 7 रुपए 80 पैसे का, जो अभी मिलता है 38 रुपए का। सारे टैक्स खत्म कर दें तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए का, जो अभी है 400 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो हिंदुस्तान में सीमेंट का 1 पैकेट मिलेगा 72 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाए 1 किलो लोहा मिलेगा 12 रुपए का, जो अभी है 50 रुपए का। सारे टैक्स खत्म हो जाए और आपको घर बनाना पड़े तो अभी जो 20 लाख रुपए में आप घर बनाते हैं वो घर 6 लाख में ही बन जाएगा। सारे टैक्स खत्म हो और आपको अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो आने जाने का टिकट सिर्फ 7,000 रुपए में आ जाएगा अमेरिका का। सारे टैक्स खत्म हो जाएं और आपके बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाना हो तो 5 साल की पढ़ाई 50,000 में हो जाएगी, जो अभी 5 लाख में भी नहीं होती। सारे टैक्स खत्म करें, किसी को MBBS और MD कराना हो तो 2 लाख में हो जाएगा, जो अभी 20 लाख में भी नहीं होता। हर चीज सस्ती, और जब हर चीज सस्ती तो नमक 15 पैसे किलो में मिलेगा, जो अभी 7 रुपए किलो का है। 1 लीटर पानी की बोतल जो अभी 15 रुपए में आप खरीदते हैं, ये 1.5 रुपए में हो जाएगी। 1 साबुन जो आप खरीदते हैं ना 15 रुपए का, टैक्स खत्म करते ये 3.5-3.5 के आसपास हो जाएगा। 1 किलो वॉशिंग पाउडर जो आप 60-70 में खरीदते हैं, टैक्स खत्म होते ही 19 रुपए का हो जाएगा। सब महंगाई सस्ती माने खत्म, चीजें सस्ती, और चीजें सस्ती तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी चलाने का आसान रास्ता खुल जाए। और सीधी सी बात है, टैक्स जितने कम होंगे आमदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की, सीधी सी बात है। तो आमदनी बढ़ाने का ये तरीका है देश का, सही रास्ता यही है। अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था हमें दबाने के लिए, हम इस टैक्स को हटा देंगे तो हम खुलकर आगे आएंगे। और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 258 लाख करोड़ जो विदेशों से लाना है, इसको रुपए में नहीं लाएंगे, डॉलर्स में भी नहीं लाएंगे, सोने में लाएंगे। क्योंकि एक जमाने में भारत सोने का महासागर था, फिर सोने का ही महासागर बनाना है, तो ये पैसा सोने में लाएंगे। परिणाम जानते हैं क्या होगा? अगर हम रुपए में लाए तो रुपए में डिवेल्यूएशन हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा रुपए आ गए मार्केट में और वस्तुएं उतनी नहीं है तो रुपए की परचेसिंग कैपेसिटी गिरेगी, डिवेल्यू हो जाएगा। तो अभी 50 रुपए डॉलर है, फिर 100 रुपए हो सकता है, ये खतरा नहीं उठाना है। और डॉलर में भी नहीं लाना ये पैसा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। सारी दुनिया में डॉलर की मांग नहीं बढ़ानी हमको, हम तो ये पैसा लाएंगे सोने में और लाके रिजर्व बैंक में रख देंगे। और हमारे देश का रूल है जितना सोना रिजर्व बैंक के पास है उतने ही नोट छाप सकते हैं हम, जरूरत पड़ेगी नोट छापेंगे, खर्च करेंगे फिर छापेंगे, फिर खर्च करेंगे फिर छापेंगे, ऐसे करके इस पैसे का उपयोग करेंगे। इसका अल्टीमेट रिजल्ट जानते हैं क्या होगा? जैसे ही हम ये पैसा डॉलर में नहीं लाएंगे, डॉलर की कीमत गिरेगी और एक झटका ऐसा आएगा कि 1 रुपया 1 डॉलर हो सकता है। और जिस दिन 1 रुपया डॉलर हो गया तो हमारा जो निर्यात है इसकी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी एक ही झटके में, और हमारी जो आयात के खर्चे हैं वो 50 गुने कम हो जाएंगे एक झटके में। तो आयात का खर्चा कम, निर्यात की आमदनी ज्यादा, तो सरप्लस होगा हमारे पास, और वो सरप्लस इतना होगा कि ना चीन हमें पछाड़ सकता है ना अमेरिका, हम दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे और सारी दुनिया में यह आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और 1 रुपया जो डॉलर हो गया तो एक भी हिंदुस्तानी अमेरिका में नहीं टिकेगा,
ये भारतवासी अमेरिका में तब तक हैं जब तक डॉलर 50 रुपए का है, डॉलर 1 रुपए हुआ, ये सब वापस अपने वतन को लौटेंगे और उनकी अकल देश के काम में लगेगी। अभी वो अमेरिका को अपनी अकल बेचकर अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर उनकी अकल भारत को आगे बढ़ाने में लगेगी। और एक दो भारतवासी नहीं है, 2 करोड़ हैं जो बाहर हैं, कुछ एनआरआईज हैं, कुछ पीआईओज हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। इन 2 करोड़ों को लाना है क्योंकि इनकी अकल बड़ी जबरदस्त है। इनमें से कुछ भारतवासियों को मैंने गल्फ देशों में देखा जो 1970 में गए और उनकी अकल लगा के नखलिस्तान बना दिया पूरे गल्फ को। 1970 के पहले भूखे मरते थे ये गल्फ वाले, ये भारत के इंजीनियर गए, तेल निकाल दिया वहां से और तेल की सारी दुनिया के बादशाह हो गए। तो उन्हीं इंजीनियरों को वापस लाएंगे, ऐसे ही अमेरिका से लेके आएंगे सबको, यूरोप से लेके आएंगे। अपना वतन, अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपनी हवा, अपनी खुशबू सबको पसंद आती है, लेकिन माहौल हो वापस आने का, हम बुलाएंगे उनको। टैक्स हटेंगे, वो सब आमदनी लेके भारत में आएंगे और भारत में बेईमानी भ्रष्टाचार खत्म होगा तो यहां आकर रहना भी उनको आसान होगा। तो ऐसा भारत बनाना है जिसमें सब भारतवासी लगे, गरीबी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, हर तरह की समस्या का समाधान हम भारतवासी ही मिलके करेंगे। कोई विदेशी हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा, हमें अपनी अकल लगा के अपनी समस्याओं को हल करना है और उसके लिए हम सक्षम हैं। बस हम में एक ही कमी है, आत्मविश्वास की और संकल्प की, बाकी हम कुछ भी कर सकते। तो हम में आत्मविश्वास आए, संकल्प पैदा हो, इसलिए मैं आपके पास आया और निवेदन करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ लगिए। ये लड़ाई शुरू हुई है भारत स्वाभिमान के नाम से और इस लड़ाई की कमान एक सन्यासी के हाथ में है जिनका नाम है परम पूजनीय स्वामी रामदेव। हमारे देश में जिन आंदोलनों ने सन्यासियों को नेतृत्व दिया है वो सब आंदोलन सफल हुए। मतलब भारत में सन्यासियों ने जब जब संकल्प किया है संकल्प पूरा हुआ है। मैं 2 उदाहरण तो देता हूं। एक थे सन्यासी समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र में, उन्होंने संकल्प किया था कि औरंगजेब की सत्ता का नाश करना, क्योंकि औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, मंदिरों को तोड़ता था, हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। समर्थ गुरु ने संकल्प लिया कि औरंगजेब को खत्म होना ही चाहिए। तो भगवान ने वो संकल्प पूरा कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा कर दिया इस तरह। और आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को इतना सीमित किया कि दिल्ली वापस जाके मर गया 1707 में औरंगजेब, खत्म हो गया साम्राज्य उसका। ऐसे एक सन्यासी हुए लातूर में, लातूर यहां के नजदीक है महाराष्ट्र में, स्वामी राम तीर्थ, उन्होंने एक संकल्प लिया था हैदराबाद की रियासत को भारत में ही रहना होगा और हैदराबाद का निजाम बोलता था मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा तुझे जाना है तू जा पाकिस्तान, रियासत तो यहीं रहेगी। और स्वामी राम तीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज दिया। अब परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने संकल्प ले लिया है कि 258 लाख करोड़ का जो भारत का धन विदेशों में है ये वापस लाना है और देश को गरीबी, भुखमरी, बेकारी से मुक्त कराना है। अब उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने मेरे जैसे 2,40,000 योग शिक्षकों को भेज दिया और 11 लाख और आने वाले हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है धीरे धीरे कि ये काम होने ही वाला है, तो आप भी लग जाइए इस काम को पूरा करने में, काम तो होने वाला है। आप लग जाएंगे थोड़ा जल्दी होगा, नहीं लगेंगे तो भी होगा। हाँ, आप गलत फहमी में मत रहना,
मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप लग गए तो जल्दी होगा, नहीं लगेंगे तो भी होगा, क्योंकि इस काम की कमान सन्यासी के हाथ में होने वाला तो है ये। आप लग गए तो इस काम का यश आपको मिल जाएगा, नहीं तो कोई और लेने वाला है इसका यश। और आप अगर नहीं लगेंगे, जिंदगी भर अफसोस होगा आपको। आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान का इतना बड़ा अभियान चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे। उनके सामने आप शर्मिंदा ना हो, इसलिए मैंने न्योता दिया है कि आप भी आ जाओ इसमें, काम तो होने ही वाला है। आप लग जाओगे, थोड़ा जल्दी होगा। आप आएंगे कैसे इस अभियान में? सबसे पहली जो एंट्री होती है वो मेंबर बन के होती है। आप हमारे मेंबर हो जाओ, पहला प्रवेश आपका इसमें हो जाए। मेंबर होने के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है, वो आप ले लो। हमारे भारत स्वाभिमान के ये पदाधिकारी आपको फॉर्म दे देंगे। बाहर जाएंगे तो स्टॉल पे भी फॉर्म है, वो आप भर दो। फॉर्म जमा करते समय 51 रुपये दान दे देना इस अभियान के लिए, वो भी आपसे ही चाहिए। गांव में रहने वाले किसानों से 11 रुपये लेते हैं हम, शहर में रहने वालों से 51 रुपये। अगर ज्यादा क्षमता है तो कितना भी आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप जो दान दोगे उसी से हमें लड़ाई लड़नी है। हमने संकल्प लिया है कि किसी भी बेईमान आदमी से करोड़ों रुपए नहीं लेंगे। अगर किसी से हम 10 करोड़ ले लें, उससे अच्छा है कि हम 1 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए ले लें। क्योंकि जो एक आदमी 10 करोड़ देगा वो अपनी धुन बजवाएगा, और उसकी धुन पे हम नाचेंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है, हमें ऐसे लोगों की धुन नहीं बजानी। 10 करोड़ 20 करोड़ लेना ही नहीं, हमें तो 10 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए लेने, 20 करोड़ लोगों से 2-2, 5-5 रुपए लेने। इसलिए पूरे देश में हम लोग निकले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके कोष बनाना, और एक एक व्यक्ति को अभियान में जोड़कर उसका मेंबर बनाना। 5 करोड़ मेंबर हमें चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि सारे भ्रष्ट नेताओं की कुल संख्या 4 करोड़ है। कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम, सब मिलाकर 4 करोड़ है। हमें 5 करोड़ चाहिए, उनसे बड़ी रेखा हमें खींचनी है। तो ये सारे नेता हमारे सामने सरेंडर करेंगे, और इनका सरेंडर करा के इनके ही मुंह से कबूलवाना है कि मैं इतना रुपया देश के लिए करता हूं न्योछावर, मैंने लूटा, अब ये मैं देश को दे रहा हूं। वो दिन इस देश में लाना है। और नहीं करेंगे तो इन सबको बिजली के तारों से उल्टा लटकाना, नीचे आग जलानी है और मिर्ची का पाउडर उसमें झोंकना है, फिर करेंगे ये। या तो ईमानदारी से कहेंगे मैंने लूटा है, ये देश का पैसा है, मेरे से गलती हुई, तो देश उनको माफ करेगा। नहीं करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। दुनिया के 56 देशों में कानून है, भ्रष्टाचार की सजा मृत्यु दंड, हमारे यहां भी बनेगा वही कानून। तो ये लड़ाई लड़नी है, इस लड़ाई में आपका सहयोग चाहिए। आप एक एक व्यक्ति भी हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, और इसी ताकत से हम ये लड़ाई को 4 साल में पूरा करना चाहते हैं। तो आप हमारे मेंबर बने, अभियान में शामिल हों, और व्यक्तिगत जीवन में थोड़े कुछ आप सुधार करें। जैसे अभी हमें दर्द है कि नेता विदेशी बैंकों में पैसा जमा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था बाधित होती है, तो आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश का पैसा बाहर जाता हो। माने विदेशी कंपनियों की वस्तुएं ना खरीदें, कॉलगेट, पामोली, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, पेप्सी कोला, कोका कोला, हिंदुस्तान लीवर, इन सब कंपनियों के सामानों का बहिष्कार करें। आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा कौन सा सामान विदेशी कंपनियों का है? उसके लिए एक पुस्तक बनाई है, जीवन दर्शन, बाहर रखी है, आप ले जाइए, उसमें पूरी लिस्ट है क्या सामान विदेशी क्या स्वदेशी, हमेशा स्वदेशी खरीदें। दूसरा निवेदन है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, जैसे सूती कपड़े ज्यादा पहने, खादी के कपड़े ज्यादा पहने, ताकि किसानों को कपास का अच्छे से अच्छा भाव मिले। अभी देश में 1% खादी बिकती है, 15 लाख लोगों को काम मिला है उससे। अगर 100% खादी बिके 15 करोड़ लोगों को काम मिल सकता है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा संभावना है खादी के लिए, क्योंकि सबसे अच्छा कपास अभी आंध्र प्रदेश में ही होता है, और सबसे ज्यादा कपास भी आंध्र प्रदेश में ही होता है।
तो इस आंध्र प्रदेश के किसानों के प्रति अगर आपके दिल में थोड़ा भी प्रेम है तो इनका बनाया हुआ सूती कपड़ा जो कपास से बनता है, खादी कपड़ा आप खरीदें। खादी मिलती है आंध्र प्रदेश में, हर जगह मिलती है, आप अपने जीवन में उसको लाएं। साल में 10 मीटर भी खादी खरीदेंगे तो करोड़ों लोगों को काम मिलेगा। अभी नमूने के लिए आप चाहें तो बाहर एक खादी का स्टॉल लगाए, वो हमारे ही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया। वो खादी महात्मा गांधी के गांव में बनती है, सेवाग्राम में, वहां से लेके आए हैं। आप चाहें तो दो दो पांच पांच मीटर ले जाइए, वो खादी में हजारों लोग लगे हैं रोजगार की दृष्टि से। आप खरीदेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, उनको उत्साह बढ़ेगा। और हम चाहते हैं गांव गांव ये काम शुरू हो जाए ताकि हर व्यक्ति जो गांव में रहता है खाली समय में चरखा चला ले, सूत बना ले, उसी से जीवन चल जाए उसका। तो आप स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, खादी ज्यादा से ज्यादा खरीदें, और बन सके तो जीवन को ज्यादा से ज्यादा भारतीयता की तरफ, स्वदेशी की तरफ लाएं, तो ये देश और महान बनेगा। एक तरफ व्यवस्था में सुधार करना है, दूसरी तरफ अपने में भी सुधार करना। हमारी भी कुछ आदतें बहुत खराब हुई हैं, हर समय हमको इम्पोर्टेड चीज चाहिए। क्यों चाहिए? जब सब चीजें भारत में बनती हैं तो इम्पोर्टेड की जरूरत क्या? हम अपने में भी सुधार करें और देश के तंत्र में भी सुधार करें, दोनों स्तर पर ये काम होगा। यही भावना के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़े धीरज से मुझे सुना, और भी दूसरे लोगों को अगर आप ये बातें सुनाएंगे तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा। जो बातें मेरी आपको बहुत अच्छी लगी हों उन्हें तुरंत बाहर जाकर लोगों से कहना, और जो बातें आपको मेरी खराब लगी हों उनको यहीं छोड़कर चले जाना। मैंने आपका थोड़ा समय बहुत लिया, 3.5 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ। और किसी के कुछ सवाल हो तो मैं यहाँ पर हूँ, व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गौ माता के लिए अगर कुछ कर सकते हैं भारत में इस समय, कत्ल खाने बंद कराने का एक ही तरीका है, अंग्रेजों के जमाने का कानून बदल दो। और वो कानून बदलने के लिए, हाँ कानून बदलने के लिए संसद में ऐसे लोगों को पहुंचा दो जिनको सत्ता की परवाह ना हो, कुर्सी की परवाह ना हो, गाय की परवाह हो। क्योंकि झगड़ा आता है सत्ता और कुर्सी और गाय का। एक बार सत्ता आई ऐसे लोगों के हाथों में जो कानून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए गाय को कटने दिया। तो ऐसे लोगों को पहुंचा दो संसद में, कानून बदल जाएगा, 2 मिनट का काम है। केंद्र स्तर पर कानून बन जाए गाय के कत्ल को रोकने का तो सारे कत्लखाने बंद करना आसान है। और सिर्फ गाय का ही कत्ल नहीं, सभी जानवरों के कत्ल को रोकने का कानून केंद्र स्तर पर बन सकता है, क्योंकि हर जानवर हमारे लिए उपयोगी है, कोई भी जानवर बेकार नहीं है, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। जानवरों को शायद हमारी जरूरत इतनी नहीं है, हमको जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी जिंदगी रहे तो हमारी जिंदगी चले, इसलिए जानवरों को तो बचाना ही पड़ेगा और उसके लिए भी कानून बदलना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।